अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार एपिसोड में हम खुश आमदेद कहते हैं। आज की सुबह एक ज़बरदस्त चाय के साथ सुबह का रंग दुबाला कर देगी, लेकिन चाय का रंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक खातून को मैं जानता हूँ जिनके रंग कुछ बदले बदले लग रहे हैं, उनका रंग हमारी चाय की तरह आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई अजीब सी बात है। हमारे साथ है रंग बिरंगी शेफ मुनीज़ा। सलामुअलैकुम शेफ मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। आज शेफ मुनीज़ा ने डिसाइड किया है कि शेफ मुनीज़ा काम नहीं करेंगी, इसकी हाँ। क्या वजह है शेफ मुनीज़ा, आपके रंग क्यों बदलते जा रहे हैं? आप कौन है वैसे? क्या मतलब आप कौन है? ये अब आप ये भी भूल गई कि मैं कौन हूँ आज, क्योंकि मुझे बेस्ट मॉर्निंग शो शेफ के उससे अवार्ड मिला है, तो मैं काम क्यों करूँ? क्या बात है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी चाय को जोश आ गया इसी बात पे। ये देखिए दोबारा से चाय को, मैंने कहा देखो चाय भी नहीं यकीन कर रही कि आपको अवार्ड मिला है शेफ मुनीज़ा। देखिए चाय है, ये बात सुन के पुरजोश हो गई, पुरजोश हो गई और धुआं धुआं हो गया। शेफ मुनीज़ा किस बात का अवार्ड आपको दिया है? देखिए मुझे किस बात का अवार्ड, देखिए इतनी अच्छी मॉर्निंग शो शेफ, हाय आप कौन है सर? वैसे ये बात तो सच है, बहुत सारी तालियां शेफ मुनीज़ा के लिए। देखिए अप्रिसिएशन जो होती है और इनकरेजमेंट होती है वो इंसान को और अच्छा करने पे मजबूर करती है, लेकिन कुछ ढीठ लोग वैसे भी होते हैं जो कि नहीं सही। अब तो आप यही कहेंगे ना, अब धुआं चाय में से नहीं निकल रहा, मैं आप लोगों को बताऊं वैसे कुछ झिल्ली की स्मेल आ रही है, वो चाय की ही स्मेल आ रही है। लेकिन शेफ मुनीज़ा मुझे एक बात सच सच आप ये बताएं, एक बात सच सच ये बताएं, कितने में खरीदा है आपने? बताएं ये बताएं ना, कितने लग गए होंगे? लेकिन नहीं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ऑफ कोर्स एक चीज है कि मुझे आपको पता है सुबह की चाय, आपको पता है कुछ एक पुरानी ऐसी आदतें होती हैं लोगों की जो कि वक्त के साथ नहीं बदलती। मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह सुबह अपनी चाय खुद बनाऊं। और शेफ मुनीज़ा एक और चीज ऐसे अग्री करेंगी, कभी कभी दिल होता है कि किचन में कोई और ना हो। हाँ, घर में भी ना, 100% एग्री करती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड मतलब इस बात का, आप चाहती किचन में कोई और ना आपके अलावा, यानी कि आपके सेगमेंट में मैं ना हुआ करूं। नहीं, नहीं, आप आए बिल्कुल ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं घर की बात बता रही, मेरे हस्बैंड कभी कहते हैं ना अच्छा रहने दो, आज मैं करता हूँ, आज मैं बना के खिलाता हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह का वास्ते आप किचन में ना आया करें, मेरा पूरा किचन इतना बुरा फैलता है। असल इसका हल ये है कि जब वो उबल रहे तो आप फ्लेम थोड़ी हल्की कर दें। नहीं नहीं शेफ मुनीज़ा, ये आप मेरी साइंस में क्यों आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे करना। अच्छा नहीं, दो तीन दफा मैं जोश देता हूँ इसको। हाँ। आपको पता है वो गैस पे मुझे इस चूल्हे पे हल्की भारी नहीं होती, बहुत बर्गर चूल्हा है क्योंकि ये मेरे हाथ वाला है। आपका हाँ, मुझे ना मुझे वो नॉर्मल चूल्हा, जिन चीजों के आप यूज्ड टू हो जाते हो ना, बस फिर आप दूसरे जगह पे मुश्किल हो जाती है। देखिए शेफ मुनीज़ा, मैं चाहता हूँ कि आप सारी ऑडियंस को ये बताएं कि ऑफ कोर्स आप एक शानदार शेफ तो हैं, आप चाय कप में किस तरह डालेंगी प्लीज? ये गोल्डन मौका हम शेफ मुनीज़ा को आज दे रहे हैं कि वो आज देखची से चाय डाल के दिखाएं। और ये देखिए हमारी चाय फिर एक बार उबल रही, वाह क्या बात है, जोश में आ गई। हाँ, पुर ये लम्हा पुरजोश, प्लीज लम्हा पुरजोश, और इसको बस निकाल लें हम। वेरी नाइस। नहीं ये नहीं बंद नहीं करना था क्या चूल्हा? नहीं बंद करना था, करना था ना? हाँ, हाँ। क्यों आपको क्या आवाज आ रही थी किसी की चीखने की? नहीं, ये चीज देखिए, सुबह सुबह की अगर अच्छी चाय हो और चाय का जायका अच्छा हो, रंग अच्छा हो, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा होता है। लेकिन खवातीन हज़रात, किसी भी चीज़ को अपनी आदत नहीं बनानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेफ मुनीज़ा मौला जट देखी आपने? हाँ जी। देख ली? नहीं नहीं देखी ना, आपके साथ देखेंगे ना। अच्छा मेरे साथ देखेंगे भाई। मौला जट पाकिस्तान की एक पहली फिल्म है जिसने एक रिकॉर्ड टाइम में 100 करोड़ का बिजनेस किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। माशाल्लाह, अमेजिंग न्यूज़। क्या अच्छी खबर है ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और हमारी यही दुआ है कि इस तरह की और मूवीज बने और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। हर मुल्क में मौला जट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। बिलाल लाशारी ने इसको डायरेक्ट किया है, बाकी तो आप सबको जानते हैं, मेरे ख्याल से सब लोग देख ही चुके हैं, हम ही रह गए। हम ही रह गए बस, मैंने लेकिन उसके एक छोटा सा क्लिप देखा था, वे मौलिया वाला, बड़ा मज़ेदार था। तो यकीनन मूवी बहुत अच्छी होगी, और खुशी होती है जब अपने मुल्क की चीज़ें या अपने सेट के लोगों को अवार्ड मिलता है, तो लोगों को खुशी होनी चाहिए और कुछ मीठा होना चाहिए यहाँ। बिल्कुल, वही चीनी रखी हुई है, डाले ना इसमें, किसने मना किया है? अच्छा सेलिब्रेशन, हाँ भाई प्लीज। हाँ। शेफ मुनीज़ा को अवार्ड मिला, आज हम सेलिब्रेट करेंगे, क्यों नहीं, अपने दोस्तों की खुशी में खुश होना चाहिए। लेकिन शेफ मुनीज़ा, मौला जट के जो ट्रेलर्स वगैरह देख के आपको कुछ
अपनी जिंदगी से मुमासलत लगी उस फिल्म की? आपको मेरी जिंदगी से क्या मुमासलत लगी? आपको क्या मुमासलत लगी मेरी जिंदगी? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे आई थिंक कि इट्स एन एवरीडे स्टोरी, वो जिस तरह से बनाई गई है, तो जब देखेंगे ना हम तो हमें पता चलेगा उसकी। हां देखिए, जब हम देखेंगे ना और आप मुझे ले जाएंगे ट्रीट देने के लिए अवार्ड के उस पे और मैं देखूंगी उसको, तो मुझे पता चलेगा। आपको बताना, मैं यूजुअली लेट हो जाता हूँ, फिल्म ना निकल जाए आपकी। एनीवे, आपने क्या किया वीकेंड पे वैसे शबुनी सर? अच्छा, वीकेंड पे बड़ा इस दफ़ा मैंने ना सिर्फ रेस्ट करा, मैंने कहीं नहीं गई, मैंने सबको मना कर दिया मैं कहीं नहीं आऊँगी, और बहुत दिनों बाद मुझे बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ, क्योंकि वीक डेज वीकेंड्स बहुत बिजी जा रहे थे, बहुत से लोग बुला रहे होते मुझे क्योंकि इसलिए अब तो बुलाएंगे भाई, ये तो इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। लेकिन मुझे एक बात बताइए शबुनिया, जब आपको अवार्ड मिला आपकी पहली क्या फीलिंग थी? व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग? शेयर करना चाहूंगी, मैं चाहती थी कि ये सवाल आप मुझसे करें और अच्छा छोड़ दो आगे कहते नहीं प्लीज बताएं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अवार्ड मिला है तो इसके पीछे बहुत लंबी जर्नी होती है, इस पर आपको भी अंदाजा होगा, और इतना आसान नहीं होता इस तक पहुंचना। तो जब इस तरह की कोई अप्रिसिएशन अवार्ड आपको मिलता है तो ये फीलिंग आती है कि यार वाकई जो हमने मेहनत की थी आज उसका सिला जो है अब मिलना स्टार्ट हुआ है। और मैं कहती हूँ वो तमाम ख्वातीन जो घर से निकलती हैं, चाहे किसी भी शोबे में काम कर रही हूँ, जब वो अपनी वो सिर्फ और सिर्फ काम को नहीं देख रही होती, इस पर वो फैमिली को भी देख रही होती हैं, वो बच्चों को भी देख रही होती हैं, उनको घर भी मैनेज करना होता है, काम भी करना होता है, अपने गोल्स भी, जाती जिंदगी, ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत, और कभी कभी आप इतने थक जाते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें और कैसे करें। लेकिन जब इन द एंड या जिंदगी के किसी हिस्से में आपको अप्रिसिएशन मिलना शुरू होती है तो फिर लगता है कि हाँ यार जो हमने किया उसका सिला अब मिल रहा है, और एक खुशी होती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है, और हम लोग एट द मॉर्निंग स्टार इसी तरह की जबरदस्त डायनामिक पाकिस्तानी खवातीन को सेलिब्रेट करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं, और आज के दिन भी आपकी मुलाकात कुछ बहुत ही शानदार खवातीन से हम कराएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट करेंगी, इंस्पिरेशन के तौर पे, एक डॉक्टर अपनी एक्सपर्टीज के तौर पे, या फिर एक हर्बलिस्ट हमारे साथ होंगी, वो आप बताएंगी कि आप छोटी मोटी चीज़ अपने घर के अंदर जो ऑलरेडी अज्जा मौजूद होते हैं उनसे अपनी ड्राइनेस कैसे दूर करते हैं, आपको बताएंगी आज हुमैरा नाज। हमारे साथ शेफ मुनीजा मौजूद है, नाजिया शकील होंगी जो कि एक सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बताएंगी कि लेज़र के थ्रू हम लोग अपने चेहरे को किस तरह और खूबसूरत बना सकते हैं। राबिया नजीब होंगी, साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ होंगी किरण जावेद, एक और बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट हैं। हमें किरण वैसे हमारी किरण से बड़ी अच्छी पुरानी दोस्ती है, तो एक डिस्कशन हमेशा अच्छा रहता है, और ऑफकोर्स शबुनीजा आप भी आज इस बात पे कंट्रीब्यूट जरूर कीजिएगा उनके डिस्कशन के अंदर। हम लोग आज बात करेंगे खवातीन और ज़्यादा मिथ्स के ऊपर, सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो हम अपनी बहुत बड़ी बड़ी दिमाग में बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी सुनी सुनाई बातों के पीछे गुजार देते हैं, अरे उससे सुना था, अरे वहाँ पढ़ा था, अरे वहाँ लिखा था, लेकिन तस्दीक कभी नहीं करते कि क्या ये बात वाकई सही है या ये बात वाकई गलत है। इस तरह के कितने मिथ्स हैं, आप हमें कॉल करके बताएं कि वो कौन से मिथ्स हैं जो आप रोज़ाना सुनते हैं, वो कौन सी बातें हैं जो सुनी सुनाई बातों को जिनमें शामिल किया जाता है, और आप सुनते हैं कि नहीं 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 मैंने सुना था। और आपको पता है, बात जितनी भी ज़्यादा गहरी हो, जितनी भी ज़्यादा बात अहम हो, अगर वो सुनी सुनाई बात है तो ऑफकोर्स उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, आपको हमेशा हर चीज़ की तस्दीक करनी चाहिए। कोई ऐसा मिथ बताएं शबुनी सर जिसने आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा घपले में डाला हो? नहीं, एक्चुअली कभी सुनते तो बहुत ज़्यादा हैं वो, लेकिन बिलीव मैं नहीं करती हूँ, और कभी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी। जिस तरह सुनी सुनाई बात है शबुनी सर कि अगर मछली के ऊपर दूध पी लें तो हाँ वो डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, लेकिन नहीं है, इंग्लैंड में फिश एंड मिल्क शेक्स हर जगह मिल रहे होते हैं, फिश एंड चिप्स मिल्क शेक के साथ मिल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक स्पेसिफिक फिश होती है जिसके खाने पे होता है, लेकिन हर फिश के उस पे इस तरह नहीं होता। वो स्पेसिफिक फिश का नाम बताएं। उस स्पेसिफिक फिश का नाम मुझे पता था लेकिन मैं इस वक्त भूल चुकी हूं। नहीं, लेकिन आपको पता है इस तरह की बहुत सारी सुनी सुनाई बातें होती हैं जिनके ऊपर हम कहते हैं अरे नहीं ये होता है तो उससे ये हो जाता है, वो होता है तो वो हो जाता है, तो ये सुनी सुनाई जो बातें हैं इनकी आज हम तस्दीक करेंगे। और अगर आप ऐसी कोई बात जानते हैं, कोई भी बात हो जो कि सिर्फ सुनी सुनाई हो और बहुत अरसे से जो बड़े बूढ़े हैं वो आपको सुनाते आ रहे हो लेकिन उसकी कोई तस्दीक ना की हो, तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम अपनी साइकोलॉजिस्ट से आज ही बात करेंगे कि सुनी सुनाई बातों की क्या वैल्यू होती है और ये बातें कितनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अहम एकदम से हो जाती हैं। बिल्कुल सर, छोटू हम बात ये इस पर जैसा गुमान होगा ना, जैसी सोच होगी आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे, आप अगर उस चीज़ को सुन के और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे तो वही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोच के पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ तो वही होगा। ये एक माइंड साइंस है, अगर आप भी बिल्कुल जानते हैं, और लोगों को इस बात का पता होना चाहिए
कि वो कहते हैं ना जैसा गुमान होगा वैसे ही होगा। तो अक्सर आप देखेंगे कि कहीं कांच का ग्लास रखा हुआ होता है और आप सोच रहे अच्छा ये गिर जाएगा ये टूटेगा और फिर यही होता है, टूट जाता है ना। वो हम अट्रैक्ट करते हैं उस चीज़ को ना मेंटली, हमारा जहन अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी हमें पावर्स दी हैं, अगर हमें पता चल जाए ना तो फिर हम क्या से क्या कर ले दुनिया में। बिल्कुल सही बात है। और कभी कभी शमुनी से ये भी होता है कि हम लोग ना किसी भी मिथ को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि उसको कभी अगर सोच भी ना रहे हो तो हम, लेकिन हम उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार वो ऐसा होता है। लेकिन अगर कभी उस बात को अनटैंगल कोई करे और उस बात को खोले तो पता चले कि वो सिर्फ एक बात, बात उसकी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। अब मुझे पता है अवार्ड मिलने के बाद घर में तो बड़ी शेर हो गई होंगी। घर में क्या मॉर्निंग शो में भी शेर नहीं है ये बात तो मैं मानता हूँ, वो इसीलिए मैंने वहाँ पे एक शेयर रखा हुआ पहले से। अच्छा अच्छा वो आपको ट्रिब्यूट पेश कर रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कर रहा, वो आपको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है घर वालों का क्या रवैया था। घर वालों का बहुत अच्छा था, एक तो हर बंदा ट्रीट दे दो भाई, ट्रीट ना मांगे हम बहुत गरीब है। आप ट्रीट में कुछ भी शर्म नहीं जाते। हाँ नहीं ना, तो आज यहाँ बना रही हूँ ना मॉर्निंग शो पे कैरेमल ब्राउनीज बना रही हूँ ट्रीट के तौर पे आपके लिए, बस मीठा होना चाहिए बस और क्या। व्हाई नॉट, जबरदस्त सही है ना। लेकिन खैर बहुत अच्छा रिस्पांस आया सबका और फ्रेंड्स एंड फैमिली सब ने बहुत अच्छा ज्यादा अप्रिशिएट करा और सब ने बहुत ज्यादा ग्रीट करा, तो मैं बहुत खुश हूँ उस लिहाज से। और यहाँ पे भी आके जिस तरीके से असवर और मेरा सिर्फ मजाक होता है लेकिन ऑन ये, लेकिन ये बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, जिस तरीके से मुझे कर भाई ऐसे ही होते हैं सारे। बस अच्छा ओके स्टे इन जॉब। लेकिन नहीं शेफ मुनीसा, ये चीज़ जो आप बात करें अप्रिसिएशन खवातीन और हज़रात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अवार्ड मिलने के बाद जो हमारी दौड़ होती है ना जिंदगी की, वो थोड़ी स्लो हो जाती है, हमें लगता है कि यार अब तो बस। असल बात ये कि आपने वही बात है ना, जैसा आप सोच लेंगे, अगर आप सोच लेंगे मुझे सब कुछ आ गया मैंने सब कुछ पता कर लिया तो वहीं पे एंड हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ ये सोच आ गई ना कि हाँ अब मैं सब कुछ सीख गया, वहाँ से इंसान का ना जवाल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को अपने माइंड में रखती हूँ। मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिस भी मकाम पर ले जाना फ़ख्र और गुरूर कभी ना देना, कि जिस तरीके से अभी हूँ अल्लाह ताला इसी तरीके से मुझे रखिएगा कि मैं मेरे अंदर लोगों का जो है ना वो दर्द हमेशा रहे। आमीन आमीन। इतनी बड़ी दुआ खुद कर ली आपने, आमीन। रात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक शानदार सा फिटनेस सेगमेंट, क्योंकि फिटनेस भी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Assalamualaikum, this is Tayyiba Salman. I'm an internationally licensed Zumba instructor and also trained for HIIT. और आज का हमारा टॉपिक है गर्मा गर्म हेल्थ एंड फिटनेस। हर जगह जब भी आप टी वी ऑन करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया का चैनल ऑन करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट फाइव हाईलाइटेड थिंग्स जो बहुत अहम टॉपिक हमें दिखता है वो होता है हेल्थ एंड फिटनेस। हर जगह पे हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज की वीडियो या न्यूट्रिशन की बातें, तो क्यों हो रहा है इतना इसका डिस्कशन, ये हम आज जानेंगे। क्या हेल्थ एंड फिटनेस सिर्फ है अच्छा लगने के बारे में? इसकी इम्पॉर्टेंस सिर्फ फिज़िकल इम्पैक्ट तक ही रह गई है कि हमें कोई शादी आने वाली है या कोई वेकेशन का ट्रिप आने वाला है या किसी इवेंट के लिए अच्छा लगना है तो चलो कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं टू शट डाउन द फैट? क्या हेल्थ एंड फिटनेस का इम्पैक्ट इतना ही है? तो मैं आज यहाँ पर हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को बताने के लिए हेल्थ एंड फिटनेस का इम्पैक्ट ऑन आर मेंटल वेलबींग। ठीक है, जब भी इस बारे में बात होती है तो हम लोग सिर्फ इतनी नॉलेज रखते हैं कि एक्सरसाइज कर लो तो स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, एक्सरसाइज कर लो तो टेंशन फ्री हो जाओगे। तो आज हम जानेंगे इसकी साइंटिफिक रिसर्च और क्या होता है एक्सरसाइज करने से, कि हर डॉक्टर और हर इंसान आपको कह रहा है कि एक्सरसाइज करो और फ़ायदे देखो। सो द फर्स्ट थिंग आई इनलाइटन यू गाइस अबाउट इज़ कि आपके ब्रेन में फ्रंटल लोब पे एक पार्ट होता है कॉल्ड हिप्पोकैम्पस, जिसमें आप लोगों की मेमोरी स्टोर होती है, जिसमें आप लोगों का लर्निंग पावर रिफ्रेश होता है। तो जब जैसे जैसे आप लोग एज करते हैं ये पार्ट आपके ब्रेन का श्रिंक होता है। अब उसको रिवर्स करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? मेडिकेशंस कम विद साइड इफ़ेक्ट्स एंड दे वर्क और दे डोंट वर्क, बट साइंटिफिक रिसर्च ही कहती है कि जब भी आप लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली हिप्पोकैम्पस एक्सपैंड होता है और आप लोगों की मेमोरी बेहतर होती है। पहले जैसे हमारी एक एज में मेमोरी होती थी कि वी कुड रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड अब हमें नहीं होती है। दैट इज़ बिकॉज योर हिप्पोकैम्पस इज श्रिंकिंग एंड देयर इज अ टाइम टू यू नीड टू रिवाइव विद योर हेल्थ एंड फिटनेस रेजिमेन। दूसरा मैं आप लोगों को पॉइंट बताते जाऊं कि आप लोग जब भी 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी मूवमेंट करते हैं, वेदर इट्स जॉगिंग, वेदर इट्स ब्रिस्क वॉक, वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, मोर देन 20 मिनट्स जिसमें आप लोगों का हार्ट रेट ऊपर आता है,
तो उसमें आप लोगों के ब्रेन का एक हिस्सा होता है डेंटल जायरस, जिसमें एक प्रोसेस होता है न्यूरोजेनेसिस, जिसमें आपका ब्रेन बनाता है ब्रांड न्यू सेल्स. आई मीन हर चीज़ हमारी विद टाइम विद एज फेड हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है. तो कितनी अच्छी है ये बात कि एक्सरसाइज से आप लोग ब्रांड न्यू सेल्स बना सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी पिल्स, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. तो क्यों ना हम ऐड करें एक छोटी सी हेल्दी हैबिट अपनी लाइफ में टू गेट सो मेनी बेनिफिट्स फॉर योर मेंटल वेलबींग. तीसरी बात मैं आपको ये बताते जाऊँ कि हम लोग को खुश रहने के लिए कुछ हॉर्मोन्स की ज़रूरत होती है. वन ऑफ दोज इज़ डोपामीन, सेरोटोनिन, और इसमें हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स जो हैं उसका एक ऐसा निज़ाम बनता है कि जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं दीज हैप्पी हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड. वी डोंट हैव टू टेक एनी एंटी डिप्रेसेंट्स, वी डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी पिल्स. बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के आप लोग एक्सरसाइज करें एंड सी द रिजल्ट्स. यू विल फील हैप्पियर देन एवर. तो आज से ही, कल से नहीं, आज से ही ये हेल्दी हैबिट अपनी लाइफ में ऐड करें और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखें. और एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि हम लोग कोई जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, जिम्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग एक्सरसाइज क्लब ज्वाइन नहीं कर सकते. आज मैं आप लोगों को बताऊँगी एक सिंपल तरीका घर में वर्कआउट करने का, कि छोटा सा सर्किट आप लोगों के लिए बनाया है फॉर योर इंटायर बॉडी. वी विल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट मसल ग्रुप्स ऑफ द बॉडी एंड जिसमें आप लोगों के डिफरेंट एरियाज़ कवर होंगे और घर पर ही आप लोग इंजॉय करेंगे अपनी ओन फिटनेस. सो द फर्स्ट थिंग जो हमारे पास है डंबल्स. ऑल यू नीड इज़ योर सेल्फ एंड योर माइंड टू गेट रेडी फॉर दिस रूटीन. ठीक है, आप लोगों को अगर डंबल्स नहीं है घर पे अवेलेबल, इसकी जगह पे आप लोग दो वाटर बॉटल्स ले लें. ठीक है, मेक श्योर उसका ढकना बंद हो, क्योंकि अगर वो खुला हुआ होगा तो आप लोग उसी पानी में स्लिप हो जाएंगे. इट्स हैपन टू मी. तो द फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट विथ इज़ शोल्डर प्रेस. इस तरह से आप लोगों ने वेट्स पकड़ने हैं, फीट शोल्डर विथ अपार्ट, बैक स्ट्रेट. इस तरह का पॉस्चर रखना है विथ योर एल्बोज अपराइट एंड यू गोना टेक द डंबल्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. द फर्स्ट वर्कआउट फॉर योर शोल्डर्स, पॉस्चर स्ट्रेट. काफ़ी लोग आर्म्स का वर्कआउट छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, बट एवरी मसल, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो ये आप लोगों ने करने हैं इसके 15 टू 20 रेप्स बीइंग अ बिगिनर. शुरू में 15 टू 20 रेप्स आर मोर देन इनाफ. जैसे जैसे आप लोग प्रोग्रेस करेंगे आप लोगों ने अपनी रेपिटेशंस बढ़ा देनी है. मेरे पास हैं 2 केजी वेट्स. अगर आप लोग इससे कम से स्टार्ट करना चाहते हैं यू कैन टेक 2 वाटर बॉटल्स या 1 केजी इज़ ऑल्सो इनफ. ऐसा ऐसा करके देन यू इंक्रीज द वेट. द सेकेंड वर्कआउट आई एम अबाउट टू शो यू इज़ फॉर योर कोर, वेरी वेरी एफिशिएंट फॉर योर कोर एंड लेग्स. With and without the dumbbell, both is your choice. हाथ में एक dumbbell पकड़ना है, feet shoulder apart, back straight, and you're going to sit down on an imaginary chair and up. Squats, very important for your body. Go. मैं आप लोग को उसका साइड का एंगल भी बता देती हूँ ताकि आप लोग पॉस्चर अपना ठीक रखें. All weight should come on your heels, back straight, and you sit down. सारा वेट आप लोग के हील्स पे आना चाहिए. If you notice the angle of my knees, आप लोग के नीज़ बहुत बाहर नहीं आने चाहिए. काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि नीज़ स्टार्ट करते हैं बाहर पुश करने से, तो सारा इम्पैक्ट इधर आता है और जो कि आपके नीज़ के लिए अच्छा नहीं होता. कीपिंग योर नीज़ इनसाइड, पुश योर हिप्स आउट, सिट डाउन एंड अप, दैट्स इट. अगर आप चाहें तो शुरू में विदाउट वेट्स भी कर सकते हैं. ठीक है, इट कुड बी विदाउट वेट्स. ये आप लोगों ने करने हैं एज अ बिगिनर 15 टू 20 रेप्स. द थर्ड एक्सरसाइज वी आर मूविंग ऑन इज रशियन ट्विस्ट, विच इज़ एक्सेलेंट फॉर योर कोर एज वेल. इसमें आप लोगों का एंगल कुछ ऐसा होगा, फीट डाउन, टोज अप एंड स्लाइटली टिल्टेड पोस्चर में आप लोगों को बैठना है. मूव साइड टू साइड, दैट्स इट, सिंपल. मूव साइड टू साइड, हाथ ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, पोस्चर स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए, नीज टुगेदर एंड ऑल यू गॉट टू डू इज इंगेज योर कोर. इससे आप लोगों की तमाम कोर मसल्स इंगेज होंगी and you will get very good benefits of this workout. एक और एक्सरसाइज जो, क्योंकि लोग कोर्स पे बहुत एम्फसाइज करते हैं कि हमें यहाँ की मसल्स का कुछ करके बताओ, तो आई विल एड वन मोर एक्सरसाइज फॉर योर कोर एंड दैट इज़ गोइंग टू बी सिटअप्स. सो यू लाई डाउन एंड गो अप, वन. शुरू में मे बी यू विल बी नीडिंग योर हैंड्स, टू. बाद में यू कैन स्टिक योर हैंड एट द बैक एंड देन गेट अप.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. That's it. So these are the first few 5 exercises that we have done. And sorry, one more is missing. Ek aur exercise jisme hum log add karenge to bring your heart rate up. Jumping jacks. With a smile. And here we go. 15 to 20 repetitions of jumping jacks. Ye thi hamari kuch exercises jo ki aap log ghar mein kar sakte hain. ये पूरा सर्किट आप लोगों ने रिपीट करना है 3 times एट लीस्ट ओनली 15 to 20 reps एज अ बिगिनर एंड सी द बेनिफिट्स योरसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. और अगर आप आज सोच रही हैं कि आज के दिन मैं क्या करूं, तो आज हम आपको बताते हैं आप क्या करें. घर में आपकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद होंगी. और आप आज अपना फेशियल क्यों नहीं करती? जी हाँ, आज आपका फेशियल आपकी फेशियल में मदद करेंगी हुमैरा नाज. सर को मेरा कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू यू. आज क्या बता रही हैं आप? फेशियल करना. जी बिल्कुल. आजकल जो मौसम चल रहा है वो ड्राई मौसम की तरफ हम आ रहे हैं, तो ड्राई मौसम में स्किन जो है अजीब सी खिंची खिंची सी फील हो रही होती है. हमारे कहीं कहीं पैचेस भी जाते हैं ड्राइनेस के, मतलब जरा जरा से कहीं कहीं पैच होता है. और इवन फंगस भी आ जाता है कभी कभी जो ना स्किन के ऊपर. वो समझते हैं हम कि और ज्यादा उसके ऊपर कुछ लगाते जाए, तो लगाने से बहुत सारी ट्यूब्स लगाने से स्टेरॉइड्स लगाने से और ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है. तो कोशिश करें घर में जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उससे फ़ायदा उठाइए. मैं भी 3-4 चीज़ें उससे मैं बताऊंगी कि किस तरह आप फेशियल कर सकते हैं घर में. मैं अपने हाथ पे प्रोसेस करके बता रही हूँ कि हम करना तो हमें ज़ाहिर है फेस पे है. किसी दिन लाइव भी दिखा देंगे आके, कुछ कुछ फेस पे ना लगाया हुआ हो तब भी कर लेंगे. सिंपल, मैं यहाँ पर मैंने यहाँ दूध लिया है, बेसन लिया है, कोकोनट ऑयल है, आपके पास मुल्तानी मिट्टी घर में बहुत सस्ती होती है, लाकर भी रख सकते हैं, एलोवेरा जेल है एंड फ्रेश क्रीम है. साथ में मैंने ज़ाफ़रान लिया है, लेकिन ज़ाफ़रान अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं. वैसे ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ज़ाफ़रान, और इसको अगर हम दूध में डाल के पिए भी तो आपका कलर इन्हेंस होता है बॉडी का. तो इससे सिंपल मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि आपने कोई भी टिश्यू या कॉटन का पीस लेके आपने दूध में डिप करना है इसको, और पूरे फेस पे आपने ऐसे 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 क्लिंजिंग करनी है. नज़र आ रहा है आपको? देखें जिस तरह मैं बता रही हूँ, कॉटन की मदद से ही आपने पूरे फेस पे राउंड मूवमेंट में आपने इसकी क्लिंजिंग करनी है दूध से. अच्छा, अब दूध के बाद जब आपकी क्लिंजिंग हो जाएगी प्रॉपर वे में, इसको आपने साफ करना है. इसके बाद हम क्रीम जो है वो बना रहे हैं. हमने फ्रेश क्रीम लेनी है 1 चम्मच, उसके अंदर हमने डालना है बेसन तकरीबन 1 टेबल स्पून. ठीक है, उसमें हमने थोड़ा सा दूध ऐड करना है पेस्ट बनाने के लिए. अगर कम पड़ा तो हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे. ये हमने पेस्ट बना लेना है. जितना बेसन दूध और मलाई मलाई जो भी आपके पास फ्रेश है, जैसी भी आपके पास अवेलेबल है. जो मलाई निकलती है दूध के ऊपर से, जी वो भी यूज़ कर सकते हैं. वो भी यूज़ कर सकते, बेस्ट तो वही है. अगर आपके पास है तो आप वही यूज़ करें. चंद ड्रॉप्स आपने कोकोनट ऑयल के लेने इसके अंदर. ये आपने क्रीम ऐड कर ली जो मसाज के तौर पे आपके पास यूज़ होगी आपके पूरे फेस पे. आपने करना क्या है, आपने क्रीम लेनी है पूरे फेस पे राउंड मूवमेंट में आपने अप्लाई करनी है. अब मेरे एक हाथ को आप जब एंड हो जाएगा तो देखिएगा एक हाथ फर्क. बिल्कुल फर्क आपके पास सामने आपको नजर आ जाएगा. फर्क साफ जाहिर है. अच्छा, अच्छी तरह हमने मूवमेंट करनी है. ये मसाज तकरीबन 3 से 4 मिनट तक होगा, ताकि अच्छी तरह जितनी भी हमारे ऑयल है, क्रीम है, मॉइस्चर जो है वो आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाए अच्छी तरह. ये आपने मसाज कर लिया, ये देखिए
ये स्किन पे जज हो गया है। इसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे। हुमैरा, इससे पहले आप कुछ करें, हमारे साथ एक कॉलर है रेहाना फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रेहाना। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से? गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है आपका? मुझे ये दर्द बहुत होता है जिसमें, बहुत शदीद दर्द। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा जी, थोड़ा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ मेरे जिस्म में दर्द बहुत ज्यादा होता है, मैं अदरक की ताकत की दवाइयाँ वगैरह सब कुछ खाती हूँ लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत दर्द होता है टांगों में, शदीद दर्द कमर में। और आपकी क्या एज है रेहाना जी? जी आपकी एज क्या है? मेरी एज 37। 47 37 ठीक है, ठीक है। और यह बताते हैं आपको, सिंपली अगर आप जोड़ों के दर्द में या किसी भी किस्म के दर्द में मुबतला है, बॉडी के पेन में, तो इस वक्त सर्दियां भी हैं, फूल मखाने हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप फूल मखाने लेकर आइए और दूध में उसको पका के, या तो उसको पाउडर बना लीजिए और दूध में पका के आप उसको लीजिए। डेली अगर आपने ये रूटीन बना ली तो आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं पेन वो आपका ख़त्म हो जाएगा फूल मखाने खाने से। अच्छा, हमने ये देखिए मसाज कर लिया, मसाज के बाद ही स्किन का कलर आपको नज़र आ रहा होगा, मसाज में ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब हमने बनाना है एक मास्क। मुल्तानी मिट्टी थी हमारे पास जी। ये तकरीबन हमने, ये तकरीबन 1 टीस्पून मिट्टी हमारे पास रखी हुई है, इसमें हमने एलोवेरा जेल डालना है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हनी ऐड करना है, जितना आप चाहें इसमें हनी, जितना आएगा आपकी स्किन जो है स्मूथ नज़र आएगी। जब आप कोई मेकअप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तब भी थोड़े से, ये जो मैंने 2 से 3 पत्तियां आपने लेनी है ज़ाफ़रान की, ठीक है, ये ऐड करना है। रोज़ वाटर ऐड करना है। ये आपका मास्क रेडी कर रहे हैं जो घर की चीज़ों से बन रहा है, एलोवेरा जेल, जो कि ये ओरिजिनल एलोवेरा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा आपकी स्किन पे। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि फेशियल के जो स्टेप्स थे वो मैंने इस पे, हाथ पे तो मूवमेंट ऐसे रखी थी, लेकिन जब हम फेस पे अप्लाई करते हैं तो जितना भी फेशियल का स्टेप्स होगा वो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ होगा। जितना आपने करना है, जितना ऊपर जाता जाएगा ये सब अपवर्ड मूवमेंट में होगा जितने भी हैं। अच्छा, फेशियल्स की किसी को मालूम नहीं होता, मैं अभी आज बता दूं, 14 फेशियल बोन्स होती हैं और फेशियल बोन्स के ऊपर ही जितना आप प्रेशर डालेंगे उस प्रेशर से ही आपको रिलैक्स मिलेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि आप घर में भी इसको कर सकते हैं। आपको प्रेशर पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक आपका प्रेशर पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, आपकी एयर लूप्स पे जाता है, फिर आपके ये वाले प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये वाला प्रेशर पॉइंट्स होता है, देन ये वाला प्रेशर पॉइंट्स होता है। ये जितने भी, ये 14 काउंट करेंगे आप, 14 काउंट करने के बाद मसाज करेंगे। अच्छा, मसाज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन आपने ये मास्क भी अपवर्ड मूवमेंट में लगाना है। और मास्क को तकरीबन इतना हो कि एक लेयर आपको महसूस होनी चाहिए कि आपकी ये लेयर लग रही है। देखें कितनी सॉफ्ट एंड स्मूथ लेयर बनी है, हालांकि इसमें मुल्तानी मिट्टी हमने ऐड की है। ये लेयर को लगाने के बाद आपने 20 मिनट्स के लिए, कोई भी मास्क आप अप्लाई करते हैं वो 20 मिनट्स के लिए अप्लाई होता है आपके फेस पे, ताकि आपने जितने पोर्स को ओपन किया है मसाज के दौरान उसको हमने क्लॉग भी करना है, तो वो बंद नहीं होता। बेसिकली पोर्स को मिनिमाइज़ किया जाता है। जब वो पोर्स आपके बंद हो जाएंगे, आपने ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, इसको ड्राई करके मैं अभी दिखा देती हूँ, अगर ड्राई हो जाता है तो फिर मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। देन आपने जो रोज़ वाटर हमने यूज़ किया था मास्क के अंदर, यही रोज़ वाटर आपका टोनर का काम भी देगा। टोनर बेस्ट होता है रोज़ वाटर। और अगर आपके पास रोज़ वाटर मार्केट का नहीं है आपके पास घर में, आप 5 से 10 रुपए की पेटल्स मंगाइए, गर्म पानी खोलता हुआ किए उसमें पेटल्स डालिए, थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद कर दीजिए, पानी जब ठंडा हो जाए तो आपको स्ट्रेन कर लेना है एंड वो आपका होममेड रोज़ वाटर रेडी होगा। अच्छा, मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए इसका रिज़ल्ट आप सामने, क्योंकि आप फोकस करके दिखाइएगा कि अभी तो हमने ज़ाहिर है पूरा टाइम नहीं दिया, लेकिन मैं अपने हाथ को फोकस करके ज़रूर दिखाऊंगी कि अगर आप चाहें तो ये रिज़ल्ट देख सकते हैं।
ये वाले हाथ पे अप्लाई इमीडिएटली। हाँ यस बिल्कुल, ये इमीडिएटली रिजल्ट आया है, लेकिन अगर आप इसको टाइम टू टाइम लगाएंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, एंड में हमने करना क्या कर सकते हैं, उपटन कर सकते हैं, लेकिन उपटन हर घर में मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब बिल्कुल एंड में हमने करना क्या है, जो हमने वो बनाना है ना स्प्रे टोनर जो बनाना है, उसके लिए मैंने रोज वाटर लिया है और ग्रीन टी ली है। ये अगर आप लगा के बाहर चले जाएं धूप में, चाहे वो सर्दी की धूप हो चाहे गर्मी की धूप हो, तो ये आपने पानी बना के इसको छान लें ग्रीन टी का, और उसके बाद आप स्प्रे करें फेस पे, बॉडी पे, हाथों पे, जो बच्चे जो नहीं बालों पे नहीं, बेसिकली ये आपकी सन प्रोटेक्शन या यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ग्रीन टी का जो भी आप मिक्सचर लगाते हैं वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से और सन एक्सपोजर से। अच्छा, मेरा बहुत लोग कहते हैं कि जो सूरज है विटामिन डी के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, वो कब सूरज की हमें शुआएं लेनी चाहिए? हमें तकरीबन जो अर्ली मॉर्निंग जो स्टार्ट होती है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 बजे स्टार्ट हो जाता है सूरज, तो तकरीबन जो 10:30 और 11 बजे तक, उसके बाद अगर आपने सूरज की धूप ली तो वो आप फिर ब्लैक होना टैन होना शुरू हो जाएंगे और वो नुकसान देती है आपकी अर्ली मॉर्निंग की। आपके अर्ली मॉर्निंग आप धूप लें बैठे उसके साथ साथ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे पास ऑरेंज आएगा वो आपकी स्किन हड्डियाँ सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो खाएं आप धूप में बैठकर, तो आप देखिए उसके फायदे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। रियली धूप में बैठकर क्यों? बेसिकली इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई रिलेशन होता है। विटामिन सी जब हम इस तरह लेते हैं, और होता भी वो इसीलिए है कि हम नज़ले ज़ुकाम से बचें उसको खा के। लोग ये अक्सर कहते हैं कि जी हमारा तो गला ख़राब है, हम किनू या ऑरेंज की फैमिली से कुछ भी नहीं ले सकते, लेकिन मैं कहती हूँ जितना आप धूप में बैठ के खा के देखिए, आपको नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा ना गला ख़राब होगा। थैंक यू मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरती और वक्त हो जाते छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और मेरी यही दुआ है कि खुदा गंजे को नाखून न दे क्योंकि वो अपना सर छील लेता है। ओके, गंजा कौन है आप में? ये मैं तो हमें से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई गंजा नहीं है। अल्लाह का शुक्र। ये बता, ऐसी देखिए अच्छी बातें ऑडियंस को बताते रहनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, कितना कुछ सीख लिया इस बात से हमारी ऑडियंस ने। क्या क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, आप लोग को भी ट्रॉफी मिलेगी इस बार। जी बिल्कुल, 100%। नहीं, आप चाहते कि वो वहां से ना आउट हो जाए? नहीं नहीं, ये देखिए मैं तो चाह रहा हूँ कि ये आज आज ही आज का स्टार तो आपका वर्ड है। मैं भी हूँ ना? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, मैं ही हूँ वैसे। हाँ, है ना, वक्त की किल्लत की वजह से रेसिपी। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, हम बना रहे हैं आज कैरेमल ब्राउनीज, ट्रॉफी की खुशी में नहीं, ऐसे ही बना रहे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास इंस्टा पे, तो मैंने कहा आज ये वाली रेसिपी बनाते। और हमने यहाँ पे कैरेमल ब्राउनीज़ के लिए लिए हैं 4 अंडे। मेजरमेंट्स आप लोग नोट डाउन कर लें, मैं बाद में भी रिपीट कर दूँगी क्योंकि इसके ऊपर मेजरमेंट ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या किया है कि 4 अंडे लिए हैं, 125 ग्राम शुगर लिए यानी 125 ग्राम चीनी ली है, 125 ग्राम हमने यहाँ पर तेल लिया है, ऑयल कोई भी वेजिटेबल ऑयल या नॉर्मल न्यूट्रल ऑयल जो आपके घर में मौजूद है आप वो ले लीजिए, 150 ग्राम यानी 150 ग्राम हमने मैदा लिया है, 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करेंगे, दैट्स इट। अस फिर बेकिंग जब आप घर में करते हो ना, बहुत मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हम बना लेते हैं, ठीक है, और बजट फ्रेंडली भी होता है। यही चीज़ें जब हम बाज़ार से मार्केट से लेने जाते हैं तो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए आप ये घर में बनाना स्टार्ट कर दें, आप यकीन करें आपको मज़ा भी आएगा, आप इसको एज ए प्रोफेशनल काम में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है होम बेस्ड कितने काम हैं, आप उसको जो है उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अस पर मैं बताइए कितने ग्राम होगा ये? तकरीबन 50 ग्राम होगा ये, 50 ग्राम। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने ये है 222 ग्राम, क्योंकि आपने इस प्याले का वेट साथ में लिया है। अच्छा, हमने इसको इतना बीट करना है, हमने तकरीबन 125 ग्राम चीनी ली,
और चार अंडे लिए, इनको हमने बीट करना है इतना कि फ्लफ़ी हो जाए, राइस हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, बिल्कुल वाइट कैरमल टाइप कलर हो जाएगा, वाइट क्रीम टाइप कलर हो जाएगा, कैरमल टाइप नहीं सॉरी, ठीक है। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसने कलर चेंज करना बढ़ना, इसकी वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और आप इसको फुल स्पीड पे बीट कर लीजिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इस स्टेज पे इसको बीट करना है अच्छी तरीके से, फेंटी लगानी है इसकी। मैं क्यों तुरंत कर रही हूँ कि वो मुर्गी ना बन जाए जल्दी से, नॉर्मल कर नहीं नहीं मुर्गी नहीं बनेगी, आप बेफिक्र है, केक ही बनेगा, ठीक है। सिर्फ चीनी और अंडा, बिल्कुल और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें आप राइज होना शुरू हो गया है, कलर चेंज हो रहा है, इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। अच्छा, इस पर मैं जो हूँ वो 1 मंथ बेसिक बेकिंग कोर्स भी करवा रही हूँ, नेक्स्ट मंथ से मेरा बेकिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई भी सीखना चाह रहा है तो रंगून वाला हॉल पे जो है वो आके जो है। वेरी नाइस, रंगून वाला हॉल पे शेफुनिसा बेकिंग का कोर्स करा रही है। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़ आप सबका, आई मीन के क्या अच्छी बात है ये। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और आप लोग आए और आप लोग सीखे, बेसिक बेकिंग कोर्स है, हम लोग उसे बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, 1 मंथ पूरा कोर्स है, और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे मेरे साथ। जब मुझे ये साइलेंसर के साथ नहीं आता है? नहीं, क्यों आना चाहिए ना, आवाज मेरी ना आए ना, 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 ना। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इसकी आवाज ना आए ना, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, अब बेकिंग कोर्स 1 महीने का आप करा रही है रंगून वाला हॉल में, और कब से शुरू हो रहा है? नेक्स्ट मंथ की तारीख तो होगी ना, नवम्बर से। November से, मिड ऑफ नवंबर, मिड नवंबर से शुरू। जबरदस्त, वेरी नाइस, ठीक है। ये देखें आप, ये राइस भी हो गया, वॉल्यूम भी आ गया इसमें, अनबिलीवेबल है ना, कैसे हो गया, और ये कलर भी इसका चेंज हो गया, हाँ है ना, और क्रीमी सा हो गया, वैनिला कलर हो गया, वैनिला कलर हो गया इसका। और इस स्टेज पे आपने अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेंगे तो आपका जो है वो जो ब्राउनीज है या कैरमल केक के तौर पे भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, तो आपका वो जो ब्राउनी है वो बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा, ये सेम रेसिपी कैरमल केक में भी यूज़ हो जाएगी। आपने कितनी चीनी डाली चारों में? मैंने 125 ग्राम। 125 ग्राम जी, ठीक है। वो तकरीबन कितनी होगी, आधा कप? आधा पाव, आधा पाव, बिल्कुल आधा पाव ही है। आप देखें ना, इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं है लेकिन आप इतनी मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, और बजट फ्रेंडली है, आप घर में बहुत कम मिनिमम बजट में बना सकते हैं। यही जब आप मार्केट में ख़रीदने जाते हो तो कितना एक्सपेंसिव मिलता है ना, और जब ऐसे जब हम घर में बेकिंग करते हैं ना उसका मज़ा ही अलग होता है, तो एक्साइटमेंट अलग होती है, और बच्चे इतने खुश हो के खाते हैं, यकीन करें। मैं कहूँगी अगर मुझे बेकिंग आई है तो वो मेरे बच्चों की वजह से आई है, अगर उनको क्रेज़ नहीं होता ना खाने का तो शायद मैं बेकिंग नहीं करती। ये चीज़ें हमने कोरोना में बहुत बनाए। शिवनिधा, क्रोसन का बनाना सिखाएंगे? क्रोसन का ना एक बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, और थोड़ा सा ठंडा मौसम शुरू हो जाएगा ना फिर हम बनाएंगे उसको, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर उसमें ना हमें बटर की लेयर करनी होती है, अब वो बटर अगर वो उसमें से फट के निकल गया तो वो पूरा आपकी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाती है, तो उसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हम 125 ग्राम ऑयल शामिल करें, और बीट करते हुए शामिल करेंगे स्लो स्लो, ठीक है, स्लो उस पर रखा हुआ है मैंने इसको, और बीट करते हुए इसको ये शामिल हो रहा है इसके अंदर स्लो स्लो। क्यों? क्योंकि देखिए हमने इसको बीट किया है, राइस किया है, हम एक साथ ऐड कर देंगे और ज़्यादा इसके अंदर बीट करेंगे इसको तो वो बैठ भी सकता है, तो ये एक तरीका है इसको मिक्स करने का इसमें, ठीक है। अच्छा, ऑयल बेस्ड रेसिपीज इसलिए मैं बताती हूँ क्योंकि जो है ना ये कॉस्ट कटिंग रेसिपीज़ होती हैं और ये हमें एक्सपेंसिव नहीं पड़ती, बटर जो होता है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है इन रेसिपीज़ में ना, तो अगर कमर्शियली ये रेसिपीज़ आप लोग बनाना चाहें और इसको ऑनलाइन सेल करना चाहें या अपने उस पर यूज़ करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। अच्छा, ऑयल में और बटर में ये डिफरेंस होता है, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि ऑयल हम ऐड करते हैं तो क्या होता है और बटर से ज़्यादा अच्छा बनता है। ऑयल ना इसको मॉइस्चर देता है, मॉइस्ट रखता है, बटर जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है ना तो वो बाद में हार्ड हो जाएगा ठंडे टेम्परेचर में आके, तो वो जो है ना आपकी ब्राउनीज जो है ना वो हार्ड हो जाएंगी। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉफ़ी ली है और उसको जो है ना हल्का सा पानी का ड्रॉप डाल के इसको इस तरीके से मैंने उसमें मिक्स कर लिया है, लिक्विड कर लेना है आपने जो है इसको, ड्राई फॉर्म में नहीं ऐड करना वरना वो मिक्स नहीं होगी। और आपने 1 टीस्पून ऐड करा है बस, ठीक है, और ये इसको अरोमा भी देगी अच्छा सा, और इसको कलर भी देगी। कॉफी की जगह और क्या क्या यूज कर सकते हैं? वैनिला एसेंस ऐड कर दें, कैरमल एसेंस आता है वो ऐड कर दें, लेमन जूस जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि इसमें
थोड़ा सा कैरमल का फ्लेवर या इस तरह की खुशबू चाहिए ना, तो आप कोशिश करिएगा कि वैनिला एसेंस या इस तरह की चीज़ ऐड करें। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा जो है 1 टीस्पून वो शामिल कर रही हूँ, और बेकिंग पाउडर मैदे में शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, और 150 ग्राम्स जो है ना हमारा मैदा था। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और फिर मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये इसको हेल्प करेगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एयर बबल्स होते हैं वो इसके अंदर बनाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, बस इसको हम हटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है हमारा, बिल्कुल हटा देते हैं। ठीक है, और अब ये मैदा और ये जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है इसको इसमें मिक्स कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, हल्के हाथ से आपने फोल्ड करना है। वेरी गुड, इट्स ओके। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसके अंदर फोल्ड कर रही हूँ इसको। आपने सब डाल दिया? सब डाल दिया, अब बस ये इसमें जाएगा और 180 पे हम इसको 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे, दैट्स इट। आप देखें कितनी क्विक था, और इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते कहते हैं बेकिंग इतना मुश्किल है ये, लेकिन अगर आप अपने इंग्रेडिएंट्स को समझ लेंगे ना कि किस इंग्रेडिएंट का क्या रोल है इसके अंदर, तो आप बहुत अच्छे से और बहुत इजीली बेकिंग कर सकते हैं। और अगर आपने अपने ओवन के टेम्परेचर्स को समझ लिया, तो उससे बीटर से क्यों नहीं, बीटर से इसलिए नहीं करी कि जो फ्लफी हुआ है ना, बीटर से जब करेंगे तो वो बैठ जाएगा फौरन, तो इसलिए बस इसको इस तरीके से हमने हल्के हाथ से, आप देखें मैं इसको टर्न करते हुए बीच से उठा के, और इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना। ठीक है, और अगर इसी पॉइंट पे नट्स भी ऐड कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं आप, नट्स ऐड करना चाहिए। लेकिन आपने इसके अंदर इलायची वगैरह कुछ भी नहीं डाला मैंने इसके अंदर, मैंने सिर्फ इसके अंदर कॉफ़ी डाली है। देखिए आप, मैं ज़्यादा मिक्स कर रही हूँ, ये बैठ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, बस ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ये हमें इसके लम्स ख़त्म करने, पाउडर पाउडर आ रही है, हाँ ये मैदा है। ठीक है, इसको हमें इसमें मिक्स करना है। आप लोग चाहें तो आप लोग अपने हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है इसको, बिल्कुल वो नहीं करना कि पूरी जान लगा दें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, और हमेशा जब भी बेकिंग करें, सबसे पहले अपने केक लाइनर्स और जो भी है पैन जो भी यूज़ करें उस पर आप बटर पेपर वगैरह लगा दें, ओवन प्रीहीट करने के लिए खोल दें, और फिर उसके बाद आप प्रोसेस स्टार्ट करें तो आपका ओवन भी प्रीहीट हो जाएगा और आपको यहाँ टाइम नहीं लगेगा। और दूसरा ये कि जब भी आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आप ऐड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने फ़ौरन जो है इसको डालना है, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस केमिकल रिएक्शन का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें देर करते हैं तो वो आपका प्रोसेस जो है वो होके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अक्सर लोग बाद में लाइनर्स लगा रहे होते हैं या बाद में उसको बटर पेपर लगा रहे होते हैं, तो वो प्लीज़ जो है शुरू में कर लिया करें। ठीक है, और हमेशा जब भी बेकिंग कर रहे हैं, जिस भी पैन में डाले हैं उसमें आपने क्या करना है, उसको हाफ फिल करना है, कम्प्लीटली फुल फिल नहीं करना। एक ये टिप नोट कर लीजिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर 9x9 का स्क्वायर जो है वो शेप का मोल्ड लिया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं हाफ है। अब मैं इसको एक टैप दूंगी, और आपने देखा इस पर एयर बबल्स रिलीज हुए इसमें से। हाँ, बिल्कुल ठीक है, अब ये एक्सेस बबल्स नहीं है, वरना अक्सर जब ज़्यादा एयर बबल्स इसके अंदर बन जाएंगे तो ये राइज होके फिर बैठ जाएगा, क्योंकि वो एयर बबल्स फटते ना अंदर कहते हैं इस तरीके से, तो वो बैठ जाता है। हमने बटर नहीं डाला, बटर इसमें नहीं डालेंगे, कैरमल बनाएंगे उसमें डालेंगे। ओके ठीक है, बस इसको मैं जो है इसके अंदर बेक करने के लिए रख रही हूँ। थोड़ा सा मैं टेम्परेचर कम करूँगी, क्योंकि मैंने इसका जल्दी हीट करने के लिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा रखा था। ठीक है, ये अब हमारा बन रहा है, और इस बीच में हम जो है कैरमल बनाएंगे। कैरमल बनाना बहुत इजी है। मैं क्या करूँगी कि फ्राइंग पैन में मैंने चीनी, कितनी देर लगेगी इसको? अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे 35 मिनट्स लगेंगे, 30 to 35। ठीक है, उससे पहले हमने ओवन नहीं खोलना, जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना बेकिंग करने, बार-बार देख रहे होते हैं बार बार, तो उससे क्या होता है कि आप ओवन आपने खोला, उसकी हीट निकल गई, वो राइस तो हुआ लेकिन जब उसकी हीट निकल गई तो उसका हीटिंग हीट प्रोसेस रुक गया, और फिर दोबारा से हीट उसको मिली तो वो उसमें क्या होता है कि वो राइज होके बैठ जाता है, तो ये डिफरेंस आता है इसमें। ठीक है, और लेकिन वो फिर चेक कैसे करेंगे जले नहीं नीचे से? देखें, एक तो ये कि आपने 25 मिनट से पहले ओवन नहीं खोलना, ठीक है, और 25 अगर आपको लग भी रहा है तो आप हल्का सा इसको टॉप से खोलें और देख लें अंदर, या देखें अंदर लाइट होती है या मोबाइल फ़ोन की लाइट से आप चेक कर लें, उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और 25 मिनट के बाद आप इसको खोल के आप कोई भी चीज़ से इसको प्रिक करके चेक करें, कोई वुडन स्क्यूअर है, कोई टूथपिक है, या कुछ भी चीज़ से उसको चेक कर लें। अगर बीच से गीला आ रहा है तो वो मतलब है कच्चा है, और अगर ड्राई आ रहा है तो इसका मतलब वो डन हो चुका है। ज़बरदस्त खबरती, अब हम बना रहे हैं क्या? कैरमल बनाएंगे हम, कैरमल बनाएंगे हम, कैरमल बनाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और अब हम बना रहे हैं कैरमल। कैरमल और कितनी मजे की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है ना। बिल्कुल भी नहीं, ये बस सही है। इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू तो नहीं है ये। अब ये आप क्या बना रही है? अभी आपने चीनी ली, बस चीनी ली है, बस इसको जो है स्लो उस पर बिल्कुल स्लो हीट पे हमें मेल्ट करना है और ज्यादा चम्मच नहीं चलाना है, ठीक है। बस ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता जाएगा और हमें ये ख्याल रखना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क उस पर नहीं लेके जाना है इसको, वरना जो है ना इसका वो फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा, इसका बर्न फ्लेवर आएगा इसमें और जो है इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो हमें कैरमल जो अक्सर जो कैरमल सिरप्स हम ले रहे होते हैं, हम एग्जैक्टली वही कैरमल बना रहे हैं इस पर, जो आप डिफरेंट टॉपिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, पैनकेक्स के टॉपिंग्स पे, आइसक्रीम्स पे, कोई और डिज़र्ट बना रहे हैं उसमें, ठीक है। बस इसको अभी हम मेल्ट करें, इसके अंदर हम बटर डालेंगे। हमने 300 ग्राम्स जो है वो शुगर ली है, 3 टेबलस्पून बटर जाएगा और एक 250 ml पैक उसका जाएगा, टेट्रा पैक क्रीम का जाएगा। दैट्स इट, और हमारा कैरमल रेडी हो जाएगा विद इन 3 इंग्रेडिएंट्स। और कितनी देर में बनेगा? इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, शुगर मेल्ट हो रही है ना, आप देखें आहिस्ता आहिस्ता, तो इसको तकरीबन 10 मिनट्स तो लगेंगे शुगर को स्लो फ्लेम पे बिल्कुल हम मेल्ट करेंगे तो। अच्छा, ओके। नहीं, और मुझे एक बात बताएं शेफ, इसके अंदर आप कोई और चीज़ ऐड नहीं कर रही? नहीं, अभी फिलहाल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ये कैरमल बन जाएगा, शुगर, बटर और क्रीम। ठीक है, ये देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना शुरू हो रहा है और ये सिर्फ टॉपिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, टॉपिंग के तौर पे या उसको फ्रॉस्ट करने के लिए ऊपर से ये यूज होगा। बस ये जहाँ से मेल्ट हो रही है वहाँ से मूव कर देंगे और जो ड्राई वाला पार्ट है उसको इधर कर देंगे। बहुत ज्यादा चम्मच इसको नहीं चलाना है आपने, ठीक है। ज़बरदस्त ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान की एक बड़ी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ हैं नाज़िया शकील। माइन्यूट नीडल्स के साथ हम पंचर्स करते हैं छोटे छोटे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम उस तरह के कॉकटेल्स होते हैं जिसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, जैसे कि पता है हमें, दूसरे अमाइनो एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, उस तरह का कॉकटेल बना हुआ होता है जो आपको पिगमेंटेशन के लिए, अगर वैसे तो मीज़ोथेरेपी बहुत सारी चीज़ों के लिए हो रही होती है, लेकिन आज जो हम जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं दैट इज़ पिगमेंटेशन के लिए मीज़ोथेरेपी करेंगे, या एक ग्लो के लिए जिसके अंदर जैसे हम ग्लूटाथायोन डाल सकते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन के बारे में आपको पता है, तो ग्लूटाथायोन का एक स्मॉल पार्ट होता है, उसके अंदर विटामिन सी होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, इसका एक मिक्सचर होता है जो कि हम आजकल एक्वा गोल्ड की नीडल्स आई हुई हैं, सो व्हेन वी पुट दैट सीरम इन दैट वो नीडल के अंदर और फिर हम माइन्यूट पंचर्स करके वो मीज़ोथेरेपी का जो वाइल होता है, जो उसका इंग्रेडिएंट होता है, उसको इन्फ्यूज़ करते हैं आपकी स्किन में। तो ऊपर के जो लेयर होता है, बिल्कुल जो सुपरफिशियल लेयर होता है, उसमें वो जाके एम्बेड होता है और आपके जो पिगमेंटेशन के जो मेलानिन सेल्स होते हैं उसके अंदर वो सिरम जाता है और वो उसको वहाँ रोकता है। ऑलराइट, सो एक ग्लो भी देता है, ग्लूटाथायोन अगर उसके अंदर डाला हुआ, डिफरेंट डिफरेंट मीज़ोथेरेपी के वाइल्स आते हैं। यू नीड टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट कि पेशेंट को क्या ज़रूरत है या पेशेंट की क्या डिमांड है। जैसे अब हम अगर मीज़ोथेरेपी की मैं दूसरी बात करूँ तो मीज़ोथेरेपी हेयर के लिए भी होती है, मीज़ोथेरेपी आपको चिन को कम करने के लिए भी होती है, जैसे हमारी किसी की डबल चिन होती है, डबल चिन होती है, डॉक्टर साहब सैग करके भी डबल चिन बन जाती है, डबल चिन इस तरह भी बनती है, एक तो एजिंग की वजह से, एक ओबेसिटी की वजह से, अगर जिसका बहुत ज़्यादा वजन है तो उस वजह से भी डबल चिन बन जाती है, तो वो भी एक मीज़ोथेरेपी के वाइल्स होते हैं जिसको लिपोलिटिक इंजेक्शन बोलते हैं, वो भी लगते हैं। सो मीज़ोथेरेपी हैज़ डिफरेंट डिफरेंट, यू नो, सिर्फ मीज़ोथेरेपी सिर्फ फेस पे नहीं हो रही, वो हेयर पे भी हो रही है, वो नेक पे भी हो रही है, वो आपके और बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, एब्डोमिनल पार्ट्स पे भी हो रही है। एज होती है कि इस एज से नहीं करानी चाहिए, यंग लाइक ऑब्वियसली नॉट इन अ वेरी यंगर एज, बट अगर आप ग्लो चाहते हैं तो आप 18 ईयर्स से भी शुरू कर सकते हैं उसको, जस्ट ऑन द फेस, और बाकी जो हमारा जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उसके हिसाब से, अगर किसी के बाल गिर रहे हैं तो उस पर आप मीज़ोथेरेपी कर सकते हैं, तो वो तो किसी भी एज में गिर सकते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं तो भी, अगर आप यंग हैं, आजकल जैसे कोविड हुआ था, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, पेशेंट्स मेरे पास 18 ईयर्स के आ रहे हैं, 20 ईयर्स के, मेल फीमेल बोथ आर कमिंग विद ऑल दीज, और स्पेशली अब जैसे डेंगू हो गया
कितना ज़्यादा फैला है और डेंगू के कुछ 3 महीने के बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है. सो वो मीजोथेरेपी की बहुत सारी वराइटीज़ हैं. इट्स वी जस्ट टारगेटिंग टुडे ऑन द फेस but right. there are lot of things which we can focus. Mesotherapy ki advancements bhi hain kaafi. yes yes lot okay. of things we have lot of things aur bahut saari cheezon mein lekin according to the patient obviously the doctor decides ki what is needed. theek hai bilkul absolutely. aur doctor sahab you bhi usually kya hota hai ki log television pe programs dekh ke ya suni sunai baaton pe amal karte hain na ki yaar maine ye karaya tha to shayad tumhare liye bhi aisa hi ho fir wo sirf procedure karane chale jate hain consultation नहीं करते. नहीं वही मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखिए आप कंसल्टेशन तो लें. कितने पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि नहीं बस हमें यही कराना है. तो हम उनको ये बोलते हैं कि एटलीस्ट आप एक कंसल्टेशन लें. देखिए जैसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें दिस इज़ पिगमेंटेशन दिस इज़ मेलाज्मा. ठीक है इस तरह के बहुत सारे फीमेल मेल दोनों पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास एंड उनके साथ उनको जो मैं रिकमेंड कर रही होती हूँ मीजोथेरेपी भी करती हूँ पील्स भी करते हैं हम लेज़र्स भी करते हैं. मैं कॉम्बिनेशन थेरेपी उनको बता देती हूँ कि ये इतने प्रोसीजर्स हैं जो आपको कराने एंड देन द पिगमेंटेशन गोज. सो डॉक्टर साहब जिस तरह अभी ये तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त ये जो ये मीजोथेरेपी के बाद पहले का रिजल्ट है ये मतलब पहला वाला है जो दैट इज बिफोर. ओके एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट. ठीक है ये सेकेंड या एंड ऑब्वियसली स्लोली एंड ग्रेजुअली. देखिए एक प्रोसीजर से फर्क नहीं पड़ता. एटलीस्ट यू नीड सेशंस. ओके यू नीड 2 to 3 सेशंस फॉर दैट विद ऑल द ओरल टैबलेट्स एंड द क्रीम्स एंड द सनब्लॉक. अच्छा वो पूरा एक प्रोसेस है. या इट इज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी. इफ द पेशेंट सेज नहीं बस मुझे ये करना है तो मैं उनको बोलती हूँ देखिए हर चीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो अच्छा रिजल्ट आपको देती है. क्योंकि अगर आप टैबलेट्स ले रहे हो तो वो भी एक एंटी ऑक्सीडेंट है. अगर आपकी मीजोथेरेपी हो रही है वो भी. अब आप सन एक्सपोजर में अगर जा रहे हैं तो आप सनब्लॉक लगा के जाएं. आपको थोड़ी बहुत क्रीम्स लगानी पड़ती हैं अगर एजिंग है तो भी और पिगमेंटेशन है तो भी. इट्स नॉट डॉक्टर साहब एजिंग को रोकता है मीजोथेरेपी क्या? नो एजिंग तो मुझे लगता है होगी आप इसको रोक तो सकते हैं. एजिंग को देखो हम कैसे रोक सकते हैं डिपेंड्स. हम फिलर्स लगा सकते हैं हम बोटॉक्स लगा सकते हैं. हाइफू आजकल बहुत है कॉमन. आजकल बहुत अच्छी मशीन्स आई हुई हैं हाइफू की. तो वो देखिए अगर आप शुरू करते 30 ईयर्स से मैं नॉर्मली रिकमेंड करती हूँ कि व्हेन यू आर इन द लेट 28, 29 इस एज से आप एटलीस्ट एंटी एजिंग क्रीम्स शुरू करते हैं. कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रोसीजर कराएं पीआरपी करा सकते हैं. पीआरपीज़ फॉर एंटी एजिंग दैट इज़ रियली गुड. फिर मीजोथेरेपी करा सकते हैं फॉर द ग्लो. और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पिगमेंट दिखता है तो आप शुरू कर दें ट्रीटमेंट. ना कि आप इतना ज़्यादा एक्सेसिव पे जाएं जब बहुत ज़्यादा पूरा फेस भर गया है उसके बाद आप डॉक्टर को आप जा रहे हैं कंसल्टेशन के लिए या आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं. जब थोड़ा बहुत भी आपको दिख रहा है तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट. जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं हेयर जैसे हेयर फॉल हो रहा है. अब वो आ रहे हैं तो इतना बुरे हाल में आ रहे हैं एंड जो पेशेंट है ही इज़ वेरी यंग. ही इज़ जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड. सो अब 21 में एटलीस्ट आपके बाल इतने सारे गिर गए. अब आप उठ रहे हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी यू नो. और फिर आती कोई डिस्प्रेशर होती है ना कि फ़ौरन वापस आ जाए. हाँ जो एकदम से चले गए. आई थिंक डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ. आई थिंक ये सोशल मीडिया के जो इन्फ्लक्स है ना हम लोग एक तो कॉन्शियस बहुत हो रहे हैं. और सेकेंडली मुझे लगता है कि हम लोग अपनी जो सुपरफिशियल के जो हमारी ब्यूटी है आई थिंक उसके बारे में यंगस्टर्स तो बहुत कॉन्शियस है. अब एवरीबॉडी वहां एवरीबॉडी वांट्स टू लुक पहले नहीं थे लेकिन अब बहुत. और स्पेशली अब मेल्स भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं. पहले तो मैं सोचती थी कि सिर्फ फीमेल ज़्यादातर कॉन्शियस हैं लेकिन अब बहुत सारे मेल्स भी आते हैं और मेल्स को पिगमेंटेशन भी बहुत हो रही है. अच्छा अब इसमें सबसे बड़ा सवाल पेशेंट आके हमें ये करता है तो मैं तो मुझे तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता. मैं तो सुबह जाता हूँ बैंक 9 बजे और मैं 6 बजे निकलता हूँ तो मुझे तो धूप लगती नहीं है. उनको भी मुझे समझाना पड़ता है कि देखिए यूवीए और यूवीबी जो रेज हैं जो सन की रेज़ हैं वो आपको कंटिन्यूस इफेक्ट कर रही हैं. उसके बाद जब आप लैपटॉप पर बैठे सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो बैंकर्स हैं या जो मोस्टली लैपटॉप पर बैठे हुए ऑफिस वर्क पे हैं तो वो पीसी के सामने बैठे हैं उसकी जो हीट है वो जो रेज है यस वो सबसे ज्यादा पिगमेंटेशन कर रही है. डॉक्टर साहब वही सुनी सुनाई बात ना कि देखिए वो जो रेज है वो सिर्फ आंखों को ही तबाह करती है जो जिल्द को नहीं करेंगी. और उनको मैं ही समझा रही होती हूँ बोलते नहीं ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ कि मैं तो गाड़ी में बैठ जाता हूँ और फौरन जो है मैं तो बस बैंक चला जाता हूँ या मैं ऑफिस चला जाता हूँ उसके बाद मुझे धूप नहीं लगती. फिर मैं उनको समझाती हूँ देखिए इस वजह से आपको पिगमेंटेशन हो रही है. मुझे क्यों पिगमेंटेशन हो रही है मतलब आई एम अ मैन आई
आई कांट हैव अ पिगमेंटेशन तो ना मैं मेकअप लगा रहा हूँ ना मैं कुछ एक तो बेसिकली डॉक्टर साहब वो जो सुनी सुनाई बातों में मुझे आप एक बात बताओ डॉक्टर साहब कुछ तो ये भी कहते हैं कि धूप लगना बहुत जरूरी है चेहरे के लिए जिस्म के लिए देखिए धूप लगे लेकिन अगर आपके बैक पे लगे जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आप एटलीस्ट 15 मिनट की धूप दें लेकिन कब? जैसे डॉक्टर साहब कब बहुत लोग हैं जो जिस तरह हमारी 12 बजे की धूप दे दे शेफ पुलिसर उठती ही 12-1 बजे दोपहर अभी तो उठी नहीं है वो तो शुक्र है मॉर्निंग शुगर की टाइम पे उठ जाती है लेकिन मैं 12 बजे की धूप सिर्फ 15 मिनट 12 बजे की एंड दैट्स इट एंड पीछे से ठीक है नॉट ऑन द फेस ओके सन यहाँ से आ रहा है पीछे से आ रहा है तो बस आप ऐसे आप कमर कमर की yes, कमर, और वो सबसे अच्छा अब्सॉर्प्शन है इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी हर इंसान को इसी तरह और जैसे अगर हम वैसे भी अगर हम रोम अराउंड कर रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं बाजार जा रहे हैं कोई शॉपिंग पे जा रहे हैं या कोई मर्द तो सारे वर्क पे जा रहे होते तो उनको वैसे धूप लग जाती है वो 15 मिनट की धूप तो वैसे ही लग जाती है लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कैल्शियम बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन डी में वो कन्वर्ट नहीं हो रही आप समझ रहे हैं हमारा जो दूध है जो हमारे दही है जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वही इतने ओरिजिनल नहीं है कि वो हमें विटामिन ये कैल्शियम दें और कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में सफिशेंट होगा तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट होगा डॉक्टर साहब एक तो बेसिकली बुजुर्गता हमारी जो कॉन्वर्सेशन वो कहीं और ही डिस्कशन चली जाएगी लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आजकल इतनी ज़्यादा ये बातें सुनने को मिलती है कि खाना डेयरी फ्री खाना चाहिए ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए आप ये मत खाएं वो मत खाएं मतलब दैट इज रिलेटेड टू ओबेसिटी ना अगर कोई चीज़ इत्तेदाल में आप खा रहे हैं आप बैलेंस डाइट कर रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी अगर आप देखें तो अगर डाइटिशियंस जो दे रहे हैं वो पोषण कंट्रोल में दही देते हैं जरूर ऑलवेज दे गिव फ्रूट्स एंड योगर्ट इट्स कॉल्ड प्रोबायोटिक यस प्रोबायोटिक इट इज प्रोबायोटिक एंड इट इज नेसेसरी फॉर योर बोन्स इवन ना अगर आपको एक पास कैल्शियम नहीं होगा तो आपकी बोन्स कितनी कमजोर हो जाएंगी और बोन्स कमजोर हो जाएंगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा सो अच्छा वो इंटरकनेक्टेड ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है सो आई टेल माय पेशेंट्स कि प्लीज डू टेक इट ज्यादा ना ले लेकिन थोड़ा सा तो आप ले सकते हैं खबरदीन उस्ताद वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं कहीं में जाएगा मिलता आपसे ब्रेक के बाद वेलकम बैक खवातीन और हज़रात डॉक्टर साहिबा को हमने यहाँ हाईजैक कर लिया है और इतनी बातें डॉक्टर साहिबा आप बोल बोल के थक गई होंगी आई एम श्योर तो डॉक्टर साहिबा हम क्या प्रोसीजर करें आज हम अभी जैसे हमने डिस्कशन किया तो अभी हम मीजोथेरेपी का एक इनको प्रोसीजर करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह होता है इट्स नॉट पेनफुल वैसे भी फिर भी हमने इनको हल्की सी नमिंग क्रीम लगा दी है लेकिन जो मैं आपको नीडल्स दिखा रही हूँ ये इतनी छोटी नीडल्स हैं इफ़ यू कैन जस्ट फोकस इट कोई फोकस कर सकता है इसको तो इट्स अल्ट्रा गोल्ड ये एक्वा गोल्ड वो है बॉटल है और इसकी नीडल्स बिल्कुल 0.4 mm की हैं इफ़ यू कैन सी जस्ट यू कैन नज़र ही नहीं आ रही हाँ, एक तो उम्र का भी तकाजा डॉक्टर साहब दूसरा ये कि मुझे बाकी में नजर नहीं आ रही बट डॉक्टर साहब एक चीज मतलब ये इतनी फाइन नीडल्स हैं कि इसमें पेन नहीं होता लेकिन ये फिर भी अपने पंचोस कर रही है और इसके अंदर हमने जो सिरम डाला हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि जो कॉकटेल्स होते हैं जिसमें अमीनो एसिड्स विटामिन सी ग्लूटाथायोन पेप्टाइड्स बहुत सारी चीज़ें डिलीवर होती है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स नीड कि आपको किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मीजोथेरेपी के बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारे वराइटीज़ हैं कि किस चीज़ के लिए कहाँ यूज़ करनी है ग्लो के लिए अलग है मिलाज़मा के लिए अलग है आपको रिंकल्स के लिए अलग है दूसरा ये कि हेयर के लिए अलग है मैंने आपको बताया जैसे डबल चिन के लिए अलग है तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन डबल चिन को आप इससे नहीं कर सकते अच्छा डॉक्टर साहब दो सवाल हैं एक तो ये कि डॉक्टर साहब कुछ लोगों को इमिजिएटली नीडल से ब्रूजिंग हो जाती है मतलब ज़रा सा भी अगर उनको अच्छा ये दिस इज़ अ नेचुरल थिंग ऑब्वियसली नीडल है तो हल्का फुल्का ब्रूज होगा ये नहीं हो लेकिन वो निशान कितने दिन में जाएगा एक से दो दिन में जैसे हम वैम्पायर फेशियल भी करते हैं ना 2 days मैक्स रेडनेस रहती है एंड देन इट गोज ऑफ और ये तो इतनी हल्की है इतना इसका जो 0.4 mm इसका जो नीडल का साइज है कि ये तो एक दिन रहेगा एंड द सेकंड डे द पेशेंट विल बी फाइन इट्स अ लंच टाइम प्रोसीजर द पेशेंट कम्स ऑफिस से आ जाते हैं घंटा आपने करा प्रोसीजर एंड देन दे गो
लेकिन नॉर्मली लोग आते हैं बहुत सारे इस तरह के लंच टाइम प्रोसीजर्स, इट्स नॉट अ बिग प्रोसीजर के अब बोलेंगे अच्छा जी बहुत घंटों तक करते रहेंगे हम. So we'll do this procedure right. अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल है डॉक्टर साहब, जिस तरह वो जो फुलबेरी होता है बहुत लोगों को विट्लाइगो होता है, क्या ये उसका भी इलाज है? नहीं, ये विट्लाइगो के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मीजोथेरेपी के वाल्स हैं जो विट्लाइगो के लिए. देखिए मेरी बात सुने, विट्लाइगो इज हमारा जो वो तो वाइटनिंग होता है ना जो अपना विट्लाइगो इज बर्स, और बर्स में हम क्या करते हैं कि उसमें ओरल मेडिसिन होती हैं और उसके ओरल जो है ना उसके क्रीम्स होती है बेसिकली. लेकिन आप ये मेजोथेरेपी का कोई भी ऐसा प्रोसीजर उसके ऊपर नहीं कर सकते उस पेशेंट्स के. देखें अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इसको कोई वो नहीं हो रहा, बस ये सिरम जो है ये इसके फेस पे एम्बेड हो जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, और कोई बहुत ज़्यादा निशान भी नहीं पड़ रहा. आपको दर्द हो रहा है? इट्स नॉट पेनफुल बिकॉज ऑब्वियसली इतनी पतली नीडल्स हैं के उसके ऊपर निशान होना थोड़ा मुश्किल. ब्लीडिंग भी नहीं हो रही इसके से? नहीं नहीं, क्योंकि बहुत पतली है, दिस इज़ वेरी फाइन. जो हम एक और हम प्रोसीजर करते हैं जो डर्मा पेन से कर रहे होते हैं, वो थोड़ा पेनफुल होता है और वो थोड़ा सा उसमें से ब्लीड होता है. जो वैम्पायर फेशियल जो आप बोल रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे जिसपे हम PRP निकालते हैं, जिसमें हम ब्लड निकालते हैं, ये तो बस आप समझ लें कि ये सिरम है और ये एम्बेड हो रहा है इसके अंदर, बस दैट्स इट. और इससे ही आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्लो आ जाता है. और इसको भी हम वैसे इस नीडल से भी कर सकते हैं और हम डर्मा पेन से भी करते हैं. डर्मा पेन से इसी तरह मीजो का जो एक टायर सा लगा हुआ होता है नीडल्स वाला, yes. ये लोग उसकी वीडियोस बहुत आती है, वो 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 भी एक वो भी डर्मा पेन का एक वो होता है, उसके ऊपर हम क्या इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं कि मीजोथेरेपी का वायल हम मतलब उसका जो सिरम है वो हम फेस पे डालते जाते हैं एंड देन हम वो पेन को साथ में वाइब्रेट करते हैं. तो जब हम पेन को वाइब्रेट करते हैं साथ में तो वो ऑटोमेटिकली बहुत देखें हल्का फुल्का अगर कहीं कोई एक आध ब्लड का एक कोई एक आध ड्रॉप निकल गया तो निकल गया, एज सच कुछ खास नहीं होता. ऑलराइट डॉक्टर साहब, वो जो ग्लूटाथायोन होता है बहुत सारे लोग उसकी टैबलेट्स खाते हैं, तो इज इट एज इफेक्टिव? इट इज़ वेरी इफेक्टिव. जो टैबलेट्स हैं, यस यस, टैबलेट्स भी एंड द IV इंजेक्शंस भी, ये दोनों बहुत इफेक्टिव हैं. अच्छा देखें, ग्लूटाथायोन क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसके साथ हम विटामिन सी साथ में दे रहे होते हैं, वो एक और एंटीऑक्सीडेंट है. और हम जो है अच्छा इसके बाद हम पेशेंट को वैसे नॉर्मली क्लीन करके और उनको बोलते हैं कि जी आप सनब्लॉक लगाएं, सनब्लॉक लगवा के और पेशेंट को हम भेज देते हैं. ठीक है, एंड जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ये बोलते हैं हम उनको कि जी 2 दिन तक आप मेकअप ना करें और नॉर्मल फेस वॉश और सब कुछ कर सकते हैं, फेशियल्स वगैरह ना कराएं या कोई इस तरह के पार्लर का कोई ट्रीटमेंट ना कराएं, दैट्स इट. अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे, जो हम विटलाइगो की बात कर रहे थे. विटलाइगो का अभी तक अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कोई इलाज नहीं है, उसमें क्रीम्स हैं टैबलेट्स हैं एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स टू डू. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी जेनेटिकली. जेनेटिक तो है ऑब्वियसली, इट्स जेनेटिक, हम से एंसेस्टर्स की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, माँ बाप की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, बट ये कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है. उसमें जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखा है बच्चों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है ओरल एंड टॉपिकल क्रीम से, बड़ों में बहुत डिलेड रिस्पॉन्स है. 2-2.5 साल तक पेशेंट आता रहता है आपके पास और बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल इफेक्ट्स होते हैं. कभी कभी लोग पूरे अपना कलर लूज कर जाते हैं. अच्छा, वो उनकी अपनी चॉइस होती है. अच्छा, बिकॉज दे वॉन्ट. अब ऑब्वियसली अगर आप देखें ना, अगर हमारा फेस पैची हो रहा है, कहीं से ब्राउन हो रहा है कहीं से वाइट हो रहा है, तो या तो हम उनको ये ऑप्शन देते हैं कि आप पूरे ही वाइट हो जाएँ, इट्स बेटर. सो यू वी हैव क्रीम्स जो आपको पूरा वाइट कर देती हैं. Alright. तो वो फिर ज़्यादा कंफर्टेबल इस सिचुएशन, और लेज़र भी होता है कि आपकी जो पिगमेंट को वो उड़ा देता है. ठीक है, तो वो दैट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर देम, एज इन वो ये कहते हैं कि हम पूरा ही गोरा कर दें. पैचेस में तो अच्छा नहीं लगता ना किसी को भी. बट डॉक्टर साहब वो गोरा तो नहीं होता, वो थोड़ा सा एक नहीं, लेकिन बहुत सारे मैंने लोगों को देखे हैं बड़े स्मार्ट लग रहे होते हैं, बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, दे हैव लाइक दे डाई दे हेयर, ब्राउन बाल हो जाते हैं, और लड़कियाँ भी स्पेशली बड़ी अच्छी हो जाती हैं, मतलब बेटर देन दैट व्हाट दे वेयर. पैची स्किन, हां या पैची स्किन, लेकिन लोग तो अभी
पूरी दुनिया में पीपल हैव एक्सेप्टेड विद ओपन आर्म्स कि दैट्स व्हाट वी आर ऐसा ही कहे तो बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि जिन पेशेंट्स को मैंने देखा है जो पूरे वाइट ओवर दैट दे आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन और ब्राउन बाल करा के तो बड़े कोई अंग्रेज टाइप लग रहे होते हैं लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मॉडल्स को देखें विनी हालो इज अ फेमस सुपर मॉडल जिसके पैची स्किन है चेहरा भी है बट शी इज एक्सेप्टेड अच्छा अब मीजोथेरेपी की तरफ अगर आते हैं डॉक्टर साहब अगर आप देखें थोड़ा बहुत रेडनेस हो रही है लेकिन ये शाम तक कल तक बिल्कुल इसके ऊपर आइसिंग वगैरह करने की जरूरत है आइसिंग वैसे नॉर्मली हम आइस देते हैं उनको आइस पैक्स हमारे पास होते हैं क्लिनिक पे तो हम आइस पैक्स दे देते हैं उनको जबरदस्त अच्छा डॉक्टर साहब अगर मीजोथेरेपी जो आप कह रही की कॉम्बिनेशन उसके लिए सही होता है तो आई थिंक हर इंसान के लिए एक डिफरेंट चीज़ आप रिकमेंड करेंगी जी जी ऑब्वियसली मैं यही तो बोलती हूँ कि जब तक कंसल्टेशन ना हो जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करे आप जाके डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मुझे मीजोथेरेपी करानी है अब मीजोथेरेपी क्यों करानी किस रीज़न से करानी है उस तरह के कॉकटेल्स हम यूज़ करेंगे ठीक है और वही डॉक्टर्स ही रिकमेंड कर सकते हैं डॉक्टर साहब इसकी कितनी कीमत होती है 10 to 15,000 और ये कितने अरसे में रिपीट करना चाहिए 20 days हर 20 दिन में 3 सेशंस करा लें बस मोर देन एनफ और वो कब तक उसका रिजल्ट रहता है रहता है आराम से 5-6 महीने रहता है लेकिन सिर्फ मीजोथेरेपी नहीं अब डिपेंडिंग कि आपको सिर्फ ग्लो चाहिए तो 3 सेशंस इज मोर देन एनफ अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो मैं सिर्फ मीजोथेरेपी नहीं बोलती मैं फिर उनको रेवलाइट लेज़र पर लेके जाती हूँ साथ में कि 2 सेशंस उसके कराएँ 3 सेशंस उसके कराएँ इस तरह यू नो आप पील करा लें एक आध दो तो वो डिफरेंट हो जाता है पिगमेंटेशन के पेशेंट को कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपीज देनी पड़ती है सिर्फ मीजोथेरेपी इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑलराइट इट इज वन ऑफ द किसी को अगर वो चेहरे पे छाइयां होती हैं या पिगमेंटेशन होती है वो एक दफा चली जाती है आपकी किसी भी ट्रीटमेंट से और अगर ट्रीटमेंट छोड़ डिसकंटिन्यू करे तो क्या वापस आ जाए यस इट कम्स बैक सो यू नीड मेंटेनेंस एंड हम उनको ये बोलते हैं कि आपको सनब्लॉक पूरी जिंदगी लगाना है ठीक है तो जिनकी प्रोन पिगमेंटेशन प्रोन स्किन है तो उनको हम ये बोलते हैं कि जी आप प्लीज़ सनब्लॉक ज़रूर लगाएं एंटी पिगमेंटेशन क्रीम्स लगाएं और प्रोसीजर्स को अगर कराना भी है तो 2-3 महीने में कभी एक यू नो आपने मेंटेनेंस के लिए एक प्रोसीजर करा लिया फिर 2 महीने बाद एक प्रोसीजर करा लिया फिर 2 महीने बाद करा लिया इस तरह नॉट यू कैन नॉट लीव दैट बिल्कुल छोड़ नहीं सकते कुछ थोड़ा बहुत जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ देखा हम पार्लर जाते हैं ना हम बाल कटवाते हैं ना हम मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हमें हम आईब्रोज बनवाने जाते हैं ना तो हम मेंटेन करते हैं ना तो इसी तरह हमारी स्किन भी मेंटेनेंस मांगती है और उसको मेंटेन करना चाहिए अगर आप अच्छा देखना चाहते अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो यू शुड मेंटेन आप अपनी वेट को भी तो मेंटेन करते हैं आप जिम भी जाते हैं आप वॉक भी करते हैं आप डाइट भी करते हैं तो आप यू मेंटेन कर रहे हैं तो अपने व्हाई नॉट योर स्किन व्हाई नॉट योर फेस एंड द स्किन एब्सोल्युटली खवातीन और हज़रत डॉक्टर नाज़िया शकील को आप फॉलो कर सकते हैं इनका इंस्टाग्राम इनकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया खवातीन और हज़रत लेते हैं छोटा सा ब्रेक कहीं मिल जाएगा मिलता है आपसे ब्रेक वेलकम बैक खवातीन हज़रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आज सुबह हमने सबसे पहले जो बात की थी वो बात थी मिथ्स के ऊपर कि भाई कितनी सुनी सुनाई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को इक्लिप्स कर लेती हैं हमारी ज़िंदगी पे ग्रेन लगा देती हैं और हम अपनी पूरी ज़िंदगी उन सुनी सुनाई बातों के इर्द गिर्द गुजार देते हैं अरे मैंने उससे सुना था अरे पता है हमारी दादी ये कहती थी और हमने कभी भी उन बातों की तस्दीक की नहीं और सबसे ज़्यादा जो सुनी सुनाई बातें हम तक पहुँचती हैं वो पड़ोसियों से पहुँचती हैं और पड़ोसी भी जो हमें बताते हैं वो ये अपनी कहानी नहीं बताते हमारे किसी जानने वाले के साथ ये हुआ था हमारे किसी जानने वाले के साथ वो हुआ था सही कह रहे हो शबुनीसा आप मैसेज कैसे कर रही हैं बताएं ये अपनी सेल्फियां लेके उनको एडिट करना बंद कर दें बहुत हो देखिए एडिट करने की मुझे जरूरत ही नहीं है मैं ऑलरेडी इतनी प्यारी हूं बस का ओ माय गॉड ये देखें आई डोंट यूज फिल्टर्स ओके क्या आई डोंट यूज फिल्टर्स ओके बात करते हुए ना यू डोंट यूज फिल्टर्स बात करते हुए पिक्चर बेबी जी अच्छा आपके लिए शबुनीसा खास तौर पे आज मैंने 2 मेहमान बुलाए हैं और हमारे साथ 2 बहुत शानदार डायनामिक साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राबिया नजीब और हमारी एक रेगुलर साइकोलॉजिस्ट और बड़ी अच्छी दोस्त किरण जावेद
सलाम किरण, सलाम राबिया। वालेकुम सलाम। शेफ मुनीसा के बारे में आपका क्या ख्याल है? किरण मैं आपसे पूछूं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी की मालिक हैं वो, और सबसे बड़ी बात हम फूड बहुत अच्छे प्रिपेयर करती हैं, नहायत लजीज और मज़ेदार। क़यामत के दिन पकड़ भी हो सकती है ये बात ज़रूर याद रखें, लेकिन सच बोलने पर बहुत अच्छा इनाम भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा राबिया, जिस तरह अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मिथ्स ने हमें बड़ा इनसर्कल करते हैं और ये सुनी सुनाई बातें होती हैं, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑफकोर्स व्हाइल ग्रोइंग अप आप कौन कौन से मिथ्स थे जो आप सुन के बिफोर बिकमिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो कौन से मिथ्स थे जो आप सुनती थी और आपको लगता था यार जिंदगी का वाकई? अच्छा सबसे बड़ा जो साइकोलॉजी से रिलेटेड मिथ था वो ये था कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर्स होते हैं, पागलों का इलाज करते हैं। एंड जब मैं भी इस फील्ड में जाई थी तो मेरे पेरेंट्स ने तक मुझे बोला था प्लीज पागलों के डॉक्टर मत बनना, पागलों के डॉक्टर मत बनना। यस तो ये सबसे बड़ा। और किरण आपने? मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी इनकी बात को कि सबसे पहले तो यही बात होती है कि आप किस में, और साथ ये भी बोलते हैं कि पढ़ पढ़ के तुम भी नफसियाती हो जाओगी, पागल हो जाओगी। ठीक है, ये इसके अलावा देखिए बहुत से मिथ्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि जो नफसियात है ना, नफसियात प्रॉब्लम है, ये कभी भी हल नहीं हो सकता। जो इंसान एक दफ़ा हो गया तो वो समझे पागल हो गया या वो पागल ही बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एक जिस्मानी बीमारी की तरह हमारी एक ये जहनी तौर पे बीमारियां भी हो जाती हैं, या उससे भी पहले देखें तो डिस्टर्बेंसेस कायम हो जाती हैं जिनका बिल्कुल ट्रीटमेंट है बिल्कुल इसी तरह जैसे फिजिकल इश्यूज का ट्रीटमेंट होता है। तो ये मिथ ही हमें रोकता है इलाज की तरफ जाने से, ये मिथ्स ही हैं जो हमें बिल्कुल इस पर सबसे बड़े पहली बात कि इसको एक्सेप्ट करने में हमें जो है मुश्किल पेश आती है कि नहीं ये तो नफसियात है का प्रॉब्लम है और इसका तो कोई हल नहीं है, बल्कि लोगों के सामने आके तो हम नफसियाती या पागल कहलाएंगे। सो ये तो सबसे बड़ा मिथ है। एक तो ये भी कहते हैं कि अगर ज़्यादा पढ़ लो तो भी पागल हो जाते हैं, ये भी तो लोग कहते हैं ना इस तरह की बात कह रहे भाई पढ़ पढ़ के पागल हो गए, कुछ ज़्यादा ही पता चल गया। एक मिथ जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है साउथ एशिया में, कहा जाता है कि अगर 3 बेटों के बाद कोई बेटी हो तो वो बड़ी खुशकिस्मत होगी, और किसी तरह अगर 3 बेटियों के बाद कोई बेटा, अगेन इट्स अ मिथ, ये सुनी सुनाई एक बात है। मुझे एक बात बताए, अगर कभी किसी को, अगर हम इसको रिवर्स में ले जाएं, किरण एंड राबिया, अगर रिवर्स में ले जाएं, अगर आप किसी को शुरू से ही बताना शुरू कर दें कि यार मुझे लगता है ये बेचारा, इसकी किस्मत थोड़ी कमज़ोर है, किस्मत थोड़ी वीक है, उसकी शख्सियत पर क्या क्या असर हो सकता है? बिल्कुल, आई मीन देखिए असर हमने ना, एक ये भी मिथ है कि सिंपथी और एम्पथी को ना हमने साथ जोड़ दिया है। बेचारा कहने से किसी को आप उसको सिंपथी दे रहे हैं, तो वो सिंपथी इंस्टेड ऑफ कि आप उनको सिंपथी दें, आप उनको एम्पथी दें, उनकी फीलिंग्स को, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें कि वो ऐसा क्यों है, ऐसी क्या वजूहत है, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए हैं उसके साथ कि वो इस तरह का हुआ है। और बेचारा या बेचारी बोलने से बेहतर यही है कि हम उनको समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं इस पर ये कहूँगी कि जैसा हम बोलते हैं ये बहुत मैटर करता है हमारी जहनी हालत पे। इवन व्हेन वी टॉक टू आवर सेल्फ, हम कैस कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपने बारे में सोच रहे हैं, वो भी मैटर करता है। इस पर एक बहुत अच्छी रिसर्च किसी ने की थी और उन्होंने एक प्लांट को रखा था सामने और रोज़ उसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव बात किए जाती थी, और विद द टाइम वो प्लांट जो है, पौधा है तो जानदार, वो सूखने लगा। राइट, ये रियलिटी है। और इससे उन्होंने बताया कि जब एक जानदार जो कि एक इंसान नहीं है लेकिन वो भी एक हिस्स रखता, मतलब वो अक्ल नहीं रखता वैसा, जहन नहीं रखता, लेकिन उसका भी कुछ एक जानदार होने के कुछ एलिमेंट मौजूद है, जब उस पर ऐसा नेगेटिव असर हुआ बातों का, तो सोचे जहनी हालत पे कि जहाँ पर हमारा सोचें भी चलती हैं, हमारा अकल भी चलती है, उसके बावजूद अगर हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाया जाए हम वैसा ही फील करने लग जाते हैं। शुरू से आपने कहा अगर उसको वीक और ये सब कहेंगे तो वो उसका मेंटल स्क्रिप्ट बन जाएगा, वो उसका इनर डायलॉग बन जाएगा, वो कहीं बैठा होगा वो अंदर से वही डायलॉग चलता है कि यार मैं तो वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और वाकई लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हो जाता है। हमारे वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, हमारा एटीट्यूड दूसरे इंसान की तरफ और अपनी तरफ बहुत मैटर करता है। अच्छा तस्मिया ने कराची से हमसे एक सवाल पूछा है। तस्मिया ने लिखा है कि मैं एक ब्रेक का वक्त हो गया, ओके सॉरी, ये सवाल हम पूछेंगे ब्रेक के बाद, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, खवातीन और आज़ाद कहीं में जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और आप हमें कॉल करके जो मिथ्स आपने सुन रखे वो हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं आज हम मिथ्स के ऊपर और एक बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है हमारे पास, अभी आपको दिखाते हैं कि वो कौन से मिथ्स हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मिथ्स अबाउट मेंटल हेल्थ। मिथ, चिल्ड्रन डोंट फेस मेंटल हेल्थ इशूज, और फैक्ट है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बच्चों में होते हैं 14 साल की उम्र से। किरण, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये तो बच्चा है, इसको क्या टेंशन है, इसको क्या परेशानी है। सारी तो परेशानियाँ हम ले लेते हैं, माँ बाप या हम बड़े ले लेते हैं, बच्चे तो बस खेलते हैं, ये बस ऐसे ही। इसका ये कोई और बहाना हो सकता है? इसको स्कूल नहीं जाना, इसको पढ़ाई नहीं करनी, इसको ये नहीं करना, इसको वो नहीं करना, मतलब हमने इसको ऐसा अटैच कर लिया कि बच्चा जानबूझकर ये चीज़ें शो कर रहा है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा ऑल्सो डोंट नो कि क्या हो रहा है हमारे साथ, वाई वी आर डूइंग दिस वे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, बड़े को फिर भी होती है। सो प्लीज़ बच्चों की इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, पहचाने। अगर वो बार बार पेट दर्द का बहाना कर रहा है, बहाना नहीं है, पेट दर्द की शिकायत कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसा होता है एंजाइटी भी आपको बटरफ्लाइज या बबल्स देती है स्टमक में, राइट? तो बच्चा उसको क्या लगता है, पेट में दर्द है मॉम, जाना नहीं है। और ऐसा फ्रीक्वेंट है, डॉक्टर के पास लेके गए, वो कह रहे सब ठीक है, तो मीन्स वो किसी टेंशन परेशानी से गुजर रहा है। इसी तरह और भी बहुत सी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो क्रैंकी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, बहुत इरिटेबल हो रहा है, तो नहीं वो शरारत है, वो बदतमीज़ है, नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो बच्चे भी मेंटल हेल्थ इलनेसेस से गुजर सकते हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। और वो 14 साल से कम उम्र में भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा मतलब पीपल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज आर वायलेंट एंड डेंजरस। जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं वो खतरनाक होते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अनफॉर्चुनेटली असर सोसाइटी में एक पिक्चर ऐसी पेंट की गई है कि जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं उनको एक मॉन्स्टर की तरह देखा जाता है, राइट? उनको एक इस तरह से देखा जाता है कि वो बहुत ही एक ऑड शख्सियत होगा, बट वो मेरे और आपके जैसा ही कोई एक बंदा होगा या बंदी होगी, राइट? यस, दिस इज़, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी एलिमेंट ये आ जाता है कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, उसमें यस वायलेंट बिहेवियर देखा जाता है, बट वो बिहेवियर इसलिए शो होता है क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से, वो उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं होता, वो बन जाता है उनके सर्कमस्टांसिस की वजह से। और कहते हैं ना कि जो ऐसे शख्सियत के जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ट्रॉमा से गुजर चुके होते हैं, बिकॉज जब एक बच्चा पैदा होता है वो ये ट्रेड्स लेके पैदा नहीं होता। यस, जेनेटिक एक कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस कर देते हैं, राइट? तो जब वो ट्रॉमा से और अपने पेरेंट्स को ऐसे बिहेवियर्स करते हुए देखेगा, जैसे अगर ऑब्वियसली अगर आपका फादर या मदर किसी मर्डर में या किसी थेफ्ट में एंगेज होंगे, तो आप जाहिर है अगर वही देख के बड़े होंगे तो आप भी वही करेंगे, क्योंकि आपके लिए वो नॉर्मल है, क्योंकि पेरेंट्स हीरोज होते हैं बच्चों के। लेकिन मुझे एक बात बता राबिया, जिस तरह बहुत सारी खवातीन इस बात से अग्री करेंगी कि जो सासें होती हैं कभी कभार वो बहुत ज़्यादा जालिम होती हैं, नॉट ऑल, लेकिन कभी कभी जो हम ड्रामों में देखते हैं या दिखाते हैं, ऑर्डर कराते हैं, ऐसे हमारा माइंड इमेज बन जाता है। और फिर मुझे ये लगता है कि जो उनकी बहुएं होती हैं, जो डॉटर इन लॉज होती हैं, वो आगे चल के वैसी ही बन जाती है, मतलब वो उनमें वो सिंपथी या एम्पथी जैसे आप कह रहे थे वो नहीं रहती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप किसी को जुल्म करते हुए देख रहे हैं, आप शादी तो एक एडल्ट एज में ही होती है, मैच्योरिटी के बाद होती है, अब आप किसी को जुल्म करते हुए देख रहे हैं, तो फिर आप जब उस रोल में जाते हैं तो फिर आप वैसे क्यों जाते हैं? दो टाइप होती हैं इसकी। अगर मैंने बहुत ज़्यादा जुल्म लिया है, मेरे पास दो चीज़ें ऑप्शंस हैं, या तो मैं वो चीज़ करने से अवॉइड करूँगी कि जो मेरे साथ हुआ, या तो मैं उससे ज़्यादा क्रूअल और उससे ज़्यादा अनएम्पैथेटिक हो जाऊँगी। अनएम्पैथेटिक होने का मतलब ये कि मेरे साथ ऐसा हुआ, सो मुझे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली रिवेंज लेने का मौका मिल गया, मेरी अपनी भड़ास जो मैं सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकी वो मैंने अपनी बहू पर ट्रांसफ़र कर दी, उतार दी, राइट? तो ये रिवेंजफुल हो जाते हैं, बट कॉन्शियस अनकॉन्शियस का खेल है इसमें भी, साइकी होती है, लेकिन हर चीज़ कॉन्शियस अवेयरनेस में ला के हल की जा सकती है, ये अच्छा बिग न्यूज़ है। हाँ, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे ही होता है। अगर इसी प्रॉब्लम को आप शुरू में ही एड्रेस कर लेंगे ना इस पर, तो ये बाद में जाके आप किसी और के ऊपर नहीं पोर्ट्रे करेंगे। ये एक बहुत मेरे ख्याल से वो एड्रेस करने के लिए भी आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की बड़ी ज़रूरत होती है कि हाँ, मुझसे ये गलती हो रही है या होती रही है। फिर वही बात, जब मिथ्स हैं तो फिर तो और रोक देते हैं कि नहीं ऐसा है, मैं किसी के पास जाऊं, मैं फिक्स करवाने जाऊं तो लोग क्या कहेंगे, पागल हो गई है, नफ्सियाती हो गई है, बात बाहर ना हो जाए कि यार फलाने की बहू तो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाती है, वो नफ्सियाती हो गई है, बेचारी का क्या हाल कर दिया, तो इस डर से कि मेरा इमेज ये बनेगा सोसाइटी में, बस जो भी है मैं देख लूँगी गुजर, और फिर वो अपने आप ख़राब करते चले जाते हैं।
शेफ मुनीसा की तरफ चलते हैं। जब नफसियाती की बात, तो मैंने कहा नफसियाती की इतनी सही बात कर रही है शेफ मुनीसा, आप कुछ शेफ मुनीसा आप नफसियात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इन्होंने जितनी सारी बातें कही ना, जो ब्रेक से पहले एक बात कह रही थी कि जो आप कह देते हो वो वाकई इंसान के जहन पर असर हो जाते हैं। छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी, मैंने अपने बेटे को 17 मंथ्स में एक स्कूल में, प्री स्कूल में इनरोल किया था। वहाँ पे उसको ऑब्वियसली 17 मंथ्स का बच्चा बोलता भी नहीं है, बोल भी नहीं पाता है, तो वो बोल नहीं पाता था, वो चीज़ें नहीं कर पाता था, और वो कॉन्वेंट स्कूल की प्रिपरेशन करवा रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे उसके साथ ये चीज़ हुई कि वो उसको वहाँ पे ये कह दिया जाता था कि तुम तो कर ही नहीं सकते हो, यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। वो उसके जहन में इतनी बुरी तरीके से बैठ गई कि 2 साल उसने वहाँ गुजारा। जब मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ, और ऑब्वियसली वो नेगेटिवली उसको मैंने देखा कि उसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, सब कुछ है, या वो सोते में जो है वो चीज़ें बोलता था, तो मैंने उसका स्कूल चेंज किया। जब स्कूल चेंज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी टीचर मिल गई। उन्होंने ये कहना स्टार्ट किया, जैसे ही वो जाता था सुबह में, तो वो कहती थी, उसको बोलती थी कि बोलो आई कैन डू इट। और जब उसने वो चीज़ स्टार्ट की, 2 साल लगे उस पर ख़राब होने में, और 2 साल उसको सही होने में लगे। अब मेरा बेटा माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छा कर रहा है, और रोज़ाना मैं ये थेरेपी यूज़ करती हूँ। जब वो स्कूल जा रहे होते हैं मेरे बच्चे, तो मैं उनको दरवाजे पे कहती हूँ कि जल्दी से 3 दफ़ा बोलो आई कैन डू इट, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, आपने कहना है आई कैन डू इट सबसे पहले, और फिर देखना आप कर लोगे, ये मैजिक वर्ड्स हैं। उसकी टीचर ने उसको ये सिखाया कि दीज आर द मैजिक वर्ड्स, अगर आप ये कह दोगे तो इसका मतलब है आप कर लोगे। और वाकई किरण बहुत चेंज आ गया, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। तो मैंने यही कहा कि एक तो टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की लाइफ में, और वही बात है कि जो चीज़ आप कहना शुरू कर दोगे सामने वाले को, वो वही चीज़ अपने आप को समझना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो ये एक बहुत और अधिक जो और बच्चों के स्कूल में ये भी होता है कि एक बुलिंग, हम लोग समझ जा रहे बच्चे हैं तो लड़ रहे होंगे, लेकिन वो बुलिंग का असर कभी कभी बच्चों के जहन पे बहुत ज्यादा होता है। 100% प्लीज ब्राउनी का तो बता दें। ब्राउनी हमारी बिल्कुल रेडी है। कैरेमल, मैं कैरेमल का एक रिकैप दे देती हूँ। कैरेमल मैंने किस तरीके से बनाया था कि शुगर ली उसको कम्प्लीटली, मैंने 300 ग्राम शुगर ली थी, उसको जो है मेल्ट किया, और जैसे इसका कलर चेंज होने लग गया, कैरमलाइज होनी शुरू हो गई, उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून बटर डाला, जल्दी से उसको विस्क की मदद से उसको मिक्स किया, और साथ उसके अंदर मैंने 250 ml का जो है वो क्रीम का पैक डाला, विस्क की मदद से उसको मिक्स किया, और फ्लेम ऑफ कर दिया उसका, और हमारा कैरमल जो है वो रेडी हो गया था। ये वो कैरमल है जो आप हर चीज़ में एज अ टॉपिंग और फ्रॉस्टिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, पैनकेक्स के साथ, शेक्स में, व्हाटएवर, जिसके साथ भी आप यूज़ करना चाहें। और बस ब्राउनीज़ मैंने जो है वो 30 मिनट्स के अंदर अवन में से निकाली थी, 30 मिनट्स जब हो गए थे हमारी ब्राउनीज़ डन हो गई थी, और इसको कैरेमल ऊपर लगा के मैंने, और दैट्स इट, कट करके और यहाँ पे सर्व कर दिया। जबरदस्त शबरी सर, अपना अवार्ड भी आप ब्राउनीज के साथ रख लें। ओके, आई थिंक वो भी एक ब्राउनी से कम नहीं है। शबरी सर का अवार्ड मिला है बेस्ट शेफ ऑफ मॉर्निंग शो, तो प्लीज एक वीडियो भी है, वीडियो भी देखते हैं शबरी सर को अवार्ड मिलते हुए, हम वीडियो दिखाते हैं आपको लाइव। चलिए जी वीडियो देखते हैं। वाह, कुछ आखिरी के लम्हात रह गए हैं जो आपने अपने होस्ट और अपने दोस्त के साथ देना है, तो तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इवेंट अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है। थैंक यू शेफ मुनीसा के लिए तालियां, क्या बात, वेरी नाइस शेफ मुनीसा, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और उसकी खुशी में आज ही बनाए मैंने, और उसकी खुशी में वहीं तक रह गए, यहाँ नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया किरण, थैंक यू राबिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन और हज़रात, ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सुनी सुनाई जो बातें होती हैं आपको उनकी तस्दीक करना लाजमी है, क्योंकि अगर आप किसी को मशवरा देते हैं, कोई बात बताते हैं, तो वो सदका जारिया होती है, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही अगर किसी को कुछ बता देंगे तो उसकी ज़िंदगी में अगर खुदा ना खासा कोई हादसा पेश आ जाए या कोई नुकसान हो जाए तो गुनहगार आप भी होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।